हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, माय वॉइस इज कमिंग और नॉट, प्लीज लेट मी नो। आज डिजिटल बोर्ड पे नहीं हूँ, आज नॉर्मल लेक्चर्स होने वाला है। सो कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। सो जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। चलो, मैंने अभी तक लिंक भी शेयर नहीं की किसी को, ठीक है? तो थोड़ा सा लिंक शेयर कर देता हूँ मैं सबसे पहले। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस, प्लीज। मैं अभी के अभी एक बार लिंक सेंड कर देता हूँ, देन उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। आज का चैप्टर बहुत ही मजेदार रहने वाला है। एक कह रहा है छोटा सा हाँ यार, छोटा सा। दुनिया में कोई भी चीज बड़ी हो जाए ना, फिर भी वो जो इंसान उसके लिए मेहनत करता है तो वो बड़ी चीज उसे वैसी ही दिखाई देती है जो एकदम छोटा सा जब वो स्टार्ट हुआ था तब वाला सिचुएशन। तो इसलिए ये मेरे लिए अभी छोटा सा ही है। ओके, ऐसा मेरा मानना है। सो वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम वेलकम, सभी लोग आ जाओ जल्दी से, अपन स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट एक बार इसको शेयर कर दूं सब में। अभी अभी जस्ट मैं लाइव भी आया था तो शायद वो वाला लिंक हर जगह रहेगा। बस जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपन। बस एक सेकंड रुक जाओ, बस आई होप कि आज कोई लाइट वगैरह ना जाए, ठीक है? और मैं ढंग का तुमको दिखाई भी दे रहा होऊंगा। चलो ये लो, मैंने हर जगह शेयर कर दिया, पूरे टेलीग्राम ग्रुप में हर जगह डाल दिया, डन। चलिए अब अपन शुरू करते हैं। सब लोग धीरे धीरे आएंगे, अब जितने बच्चों को आना होगा सो दे विल कम। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ अच्छे से, एक बार मैं थोड़ा आवाज बढ़ा लेता हूँ। अरे यार, मैं दिख रहा हूँ अच्छे से, एक बार मैं थोड़ा आवाज बढ़ा लेता हूँ। वाओ, विदाउट माइक इतनी अच्छी माइक की आवाज है, क्या बात है। अच्छा, दिख रहा हूँ ना, बढ़िया एकदम। चलो ठीक है, दिख भी रहा हूँ और आवाज भी अच्छी आ रही है, सो नो इश्यू, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं। चलो, डबल साउंड कैसे आ सकती है यार, झूठ मत बोलो जी, डबल साउंड कभी आ ही नहीं सकती। वो डबल साउंड ना अभी मैंने चालू किया था ना अपना आवाज, इसलिए वहां पे डबल साउंड आया रहा होगा। सो यस, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से टॉपिक को। ओके, सो लेट्स बिगिन, अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और ये हमारा, मैं इसे छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ। ये हो गया छोटा सा, छोटा सा, एक प्रशांत के ऊपर दूसरा प्रशांत, ठीक है? So yes guys, let's begin with the topic। And आज क्लास 12th जो हमारा बायोलॉजी का वन शॉट है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर 8, उसके ऊपर हमारा सेशन रहने वाला है। आज 8 बजे मैथमेटिक्स का सेशन होगा। अब से मैथमेटिक्स के रेगुलर सेशन आएंगे और कुछ एक्स्ट्रा सेशन भी मैथ्स के होंगे, क्योंकि मैथ्स का, मैथ्स वन वाला जो पोर्शन है वन शॉट में, वो तो चार चैप्टर हो गया है, और मैथ्स टू आज पहला चैप्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। तो आज मैथ्स टू डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, और फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स मैं इस लेक्चर के बाद डाल दूंगा, ठीक है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से फटाफट, ठीक है? आज हमारा डिजिटल बोर्ड पे नहीं हो पाएगा सेशन, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा आज रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो वो हो जाने दो। बाकी मैथ्स का सेशन वहीं पे होगा, डिजिटल बोर्ड में ही होगा, ठीक है? तो मैं आज यहाँ पे सेशन ले रहा हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इतना अच्छा तो सेशन दिख रहा है, ठीक है? चलिए, और उल्टा ग्रीन स्क्रीन भी अच्छी खासी है, सो कोई इशू मुझे नहीं लग रहा कि कोई इशू है, मतलब सब कुछ तो अच्छा ही है, ठीक है? चलो तो अब स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को, ठीक है? चलो, धमाका हो जाएगा आज के इस सेशन में। ओके, चलिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक गाइस। तो सबसे पहले ओके, अब यहाँ देखो नाउ, तो आई होप मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिख रहा हूँ तो आप लोग को विजिबल होगा ये चीज, ठीक है? ओके, आप सभी को विजिबल है, बहुत बढ़िया, बस यही मुझे चेक करना था। तो नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स। चलो, तो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन आज का हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब इसको मैं क्या ही कहूँ, ये इतना बड़ा चैप्टर है, मतलब ये सच में बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है गाइस, ठीक है? और इस चैप्टर को, कोई कह रहा आवाज नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है यार, आवाज नहीं आ रही, कुछ भी बोल रहे हो। मैं यहाँ पे देखो, अभी मैं अपनी आवाज चालू कर दो, देखो मैं यहाँ पे देखो, अभी मैं अपनी आवाज चालू, कितनी प्यारी और विदाउट एनी लैग, इतना अच्छा आवाज आ रहा है, इतना अच्छा वाला माइक्रोफोन लिया मैंने अभी, ठीक है? सो चलो, सब कुछ आ रहा है। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। मैं थोड़ा सा अपने आपको यहाँ पे ऐसे भगवान श्री राम का बना देता हूँ, चलो ठीक है? नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक।
तो गाइस आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। अब इस चैप्टर नंबर 8 में हम कंप्लीट वन शॉट देखेंगे। थोड़ी सी मेरी स्पीड ज्यादा तेज रहेगी क्योंकि जो आज का चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है गाइस, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, सबसे बड़ा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि अकेले 10 पेज का रेस्पिरेशन और अकेले 10 पेज का सर्कुलेशन दोनों इसमें मतलब एक ही चैप्टर में डाल दिया है। तो चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट तरीके से हम पढ़ेंगे और इसी चैप्टर में सर्कुलेशन रेस्पिरेशन दोनों है। तो इनडायरेक्टली ये चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़ा मैं स्पीड में रहूंगा, ठीक है। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया यार, सीरियसली बहुत बढ़िया। ये जो चीज तुम कह रहे हो ना, ये चीज एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे एक बार कही थी व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। सो मुझे ये चीज याद है, थैंक यू सो मच अगेन, आपने मुझे याद दिलाया, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं अभी, ठीक है। बायो के नोट्स में इस लेक्चर के बाद और करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के नोट इस लेक्चर के बाद मैं पूरा का पूरा आप सबको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके संदेश, लाची, एवरीबडी, माने, चांदनी, बहुत बढ़िया, सिंधु, मनाली, एवरीवन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, डोंट वरी, मैं आई विल अपलोड। ओके बहुत बढ़िया, रवि, हंसिका, श्रुति, कमर, हाउ आर यू, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, यस, निर्जरा। ओके नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक गाइस। सो नाउ गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक रेस्पिरेशन। हम किसके कहां से हम शुरू करने जा रहे हैं, हम रेस्पिरेशन टॉपिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने बचपन में इस टॉपिक के बारे में कुछ चीजें पढ़ी होगी, एग्जैक्टली व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो अगर मान लो कोई इंसान है तो उसका ऑक्सीजन लेना और उसका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, यही हमारा रेस्पिरेशन कहलाया करता था, है ना। ये बीच में कोई भाई, ये कुत्ता वित्ता बैठा है, इसको थोड़ा पहले साइड में कर दो कुत्ते की नाक है, अभी तक गड़बड़ जाला ओके सॉरी ठीक है। चलो यहाँ देखो, अभी मैंने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन बनाया है, सो दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स का आज मैथ 2 चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन होने वाला है। सो डोंट वरी, आज मैथ 2 चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन का सेशन आज रहने वाला है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो डोंट वरी, आज सारा का सारा सेशन अच्छे से होगा। और मैथ्स के अब कुछ एक्स्ट्रा सेशन भी होंगे, तुम्हारा कॉलेज वगैरह तो है नहीं, तो हम लोग कुछ दोपहर में भी वन शॉट रखने का कोशिश कर रहे हैं लाइव का, क्योंकि अब तुम्हारा सेशन हो मतलब कॉलेज वगैरह तो है नहीं, तो क्यों ना हम लोग पूरा वन शॉट कराएं, और आफ्टर दी वन शॉट हम लोग MSTCT की प्रिपरेशन भी करवा के देंगे। तो चलो अभी पहले यहाँ की पढ़ाई शुरुआत करती है। तो देखो यार, अब प्लीज मैं पूरा एकदम पढ़ाने के मूड में आ जाऊंगा अभी, और मैं किसी के भी थोड़े से चैट्स नहीं देखूंगा। तो प्लीज आप सब जो लिखवाता हूँ लिखना, और अपनी टेक्स्ट बुक सामने जरूर रखना, क्योंकि अब हम वन शॉट में प्रिपेयर करेंगे इतने बड़े चैप्टर को, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज रेस्पिरेशन से हम स्टार्ट करेंगे, बाद में हम पढ़ेंगे अपना जो दूसरा वाला है यानी कि सर्कुलेशन वाला पार्ट। तो पहले हम लोग रेस्पिरेशन की बात करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली यार, नाउ लिसन केयरफुली, जो ये रेस्पिरेशन है एग्जैक्टली ये क्या चीज होती है। तो अगर मान लो कोई ह्यूमन बींग है, तो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, यही हमारा क्या कहलाता है, एग्जैक्टली रेस्पिरेशन कहलाता है। अब जो ऑक्सीजन का लेना होता है, इसे हम बचपन में कहते थे इनहेलेशन, ठीक है, और ये हमारा होता है एक्सहेलेशन, ठीक है। इस बात को आप सबको अच्छे से समझ के रखना है, एग्जैक्टली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप थोड़ा ध्यान से देखे चलो। ओके तो ये सारी चीजें आप सब जानते हो। नाउ अब हम लोग थोड़ी सी आगे की बातें करेंगे, जो कि ऑब्वियस सी बातें बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली प्लीज। अब देखो यार, रेस्पिरेशन ना प्लांट भी करते हैं और रेस्पिरेशन ना हम इंसान भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि अभी ये किसी कुत्ते की नाक है तो इसके थ्रू यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, फिर यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस आता है, ठीक है। ये सब कुछ क्या कहलाता है, इसे ना हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस मतलब वो चीज जहां पे ये सब ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का आना ये होता है, उसे हम लोग यहाँ पे ये चीजें कहते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप लोग थोड़ा अच्छे से दोगे, आई होप। ओके नाउ यहाँ देखना अच्छे से, पहला क्वेश्चन है कि डिफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगी, पहली बात। दूसरा, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, और तीसरी बात होती है कि क्या इंसान हमेशा रेस्पिरेशन करते रहता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग को अभी पता चलेंगे 1 मिनट के अंदर। नाउ अब बस सारे बच्चे थोड़ा सा फोकस करना अच्छे से, अगर तुम लोग फोकस करोगे तो पक्का तुम्हें सारी चीजें मतलब समझ में आएंगी। ओके नाउ यहां ध्यान दो आप सारे लोग, प्लीज ध्यान से देखना। देखो यार, हमने बचपन में क्लास 10th के अंदर हमने पढ़ रखा था चैप्टर नंबर 2 साइंस 2 में, हमने ये पढ़ा था कि वहां पे जो रेस्पिरेशन था वो दो टाइप का था। पहला था
एक था एग्जैक्टली बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, बॉडी लेवल, और एक था सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन क्या होता है कि इनवायरमेंट से ऑक्सीजन आती है और हमारे शरीर के अंदर जाती है, और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन इनवायरमेंट एंड आर बॉडी। सो दिस इज द बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। बट व्हाट अबाउट सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन? मतलब रेस्पिरेशन तो एक ही बात है, ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। बट बॉडी लेवल में क्या था कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, यानी कि देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड आर बॉडी। दिस इज द बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, यानी कि टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑकरिंग इन बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड आर बॉडी। ओके, सो दिस इज द बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। बट व्हाट अबाउट सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन? तो सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर जाता है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। सो दिस रेस्पिरेशन इज नथिंग बट सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। तो इस चैप्टर में आप डिटेल में सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ोगे। बाद में आपने पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, जिसमें एरोबिक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। ये सब कुछ आपने इसके पहले पढ़ा था। फिर आपने एटीपी का फॉर्मेशन, लाइक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, फिर वो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाया करते थे जिसमें C6H12O6 ये हुआ करता था हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फिर हम लोग इसमें ऑक्सीजन डालते थे तो फिर इसका ब्रेक डाउन होता था, फिर हम लोग को ATP 38 मॉलिक्यूल मिला करता था। आपने 11th में भी ये चीज पढ़ी थी। आई होप आपको ये सारी चीजें याद होंगी। तो ये सब सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन के अंदर आया करता है। बहुत बढ़िया, चलिए अब हम लोग इसकी जर्नी शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाली अब हम कुछ बातें करेंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। अब देखो यार, आप ना आप जानते हो कि एग्जैक्टली बहुत से दुनिया में लाइफ के प्रोसेस होते हैं। आप जानते हो कि लाइक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइक डाइजेशन, लाइक रेस्पिरेशन एंड मेनी थिंग्स। बहुत से ऐसे अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशन इस दुनिया, मतलब अलग अलग टाइप के लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं। आपने सुना भी है डाइजेशन, सर्कुलेशन, सेल डिवीजन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मेनी मेनी लाइफ प्रोसेसेस ऑकरिंग इनसाइड आवर बॉडी। एंड दीज एग्जैक्टली लाइफ प्रोसेसेस इज परफॉर्म्ड बाय आवर सेल। तो सेल को क्या चाहिए काम करने के लिए? एनर्जी। तो हमारे दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बनी है एक्सेप्ट वायरसेस। तो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ये एनर्जी आखिरकार आती कहां से है? तो ये एनर्जी हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से मिलती है। आप बोलोगे भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? तो एग्जैक्टली यार, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमारे वो कार्बोहाइड्रेट जो आप केमिस्ट्री के अंदर, आप लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़े हो, इसके अंदर लैक्टोज, गैलेक्टोज एंड मेनी थिंग लाइक फ्रक्टोज, सुक्रोज, बहुत कुछ आता है। ये हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। इस बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक है? चलिए आगे निकलते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी कहलाती है एटीपी मॉलिक्यूल। और इसी एनर्जी का इस्तेमाल हमारे इंसानों के बॉडी के अंदर होता है। बहुत सी एनर्जी हमारे बॉडी में कन्वर्ट होती है कुछ यूजेबल फॉर्म में, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इन चीजों को आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है? और बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं। अब आपको एक बात बता दूं, अब जैसे कि हमने चपाती खाई, हमने रोटी खाई, तो जब हमने कोई भी, हम एक इंसान है और हमने एक रोटी खाई, थोड़ा सा अपने अंदर की क्लैरिटी बढ़ा लेना, मोबाइल फोन की क्लैरिटी बढ़ा लेना, ठीक है? और उस क्लैरिटी को जब बढ़ा लोगे करीबन 360p पे देखो, 480 360p पे देखो, ठीक है? तो हमने जब रोटी खाई तो रोटी के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। तो जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है ना रोटी, तो क्या रोटी ताकत है क्या? नहीं, एटीपी मॉलिक्यूल हमारे सेल को चाहिए लाइफ के प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। तो रोटी को ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले भाई देखो कि रोटी के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना पड़ेगा। ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक कैसे करोगे? जब ऑक्सीजन बॉडी में डालोगे। ऑक्सीजन कहां से आएगा? ऑक्सीजन आएगा हमारे शरीर में रेस्पिरेशन के थ्रू, समझा? तो रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन आएगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, एंड देन हमारे बॉडी के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड यही हमारे शरीर का एनर्जी है, तभी हमारा बॉडी अच्छे से काम कर पाता है, मैं बोल पाता हूँ, एंड एनीथिंग हो पा रही है। तो रेस्पिरेशन एग्जैक्टली क्या चीज है आपको समझ चुका है कि एनर्जी फॉर्मेशन भी हमारे शरीर में हेल्प करता है। तो चलो देखते हैं कि रेस्पिरेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन एक बायोमोलिक्यूल या फिर बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत से बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक करना होता है। आप बोलोगे भैया हमें यही नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स आर एग्जैक्टली द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड,
You have heard about that the name lactose, fructose, sucrose, maltose, many things like amino acid in the protein, lipids, alcohol plus fatty acids, है ना? तो ये सब कुछ आपने सुना है, ये सब बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं। तो इनका ब्रेकडाउन, इनका कुछ फंक्शनिंग यही बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, यही सबका फंक्शनिंग होता है। तो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड सब, ठीक है। और ये सब ऑर्डरली मैनर में होता है, ठीक है, और फिर इससे लिबरेशन होता है कुछ केमिकल एनर्जी का लाइक एटीपी मॉलिक्यूल। तो देखो जैसे कि C6H12O6 एक ग्लूकोज है, आपको दिख रहा होगा ये क्या कहलाता है, ये ग्लूकोज कहलाता है। और इस ग्लूकोज में हमने 6 टाइम्स ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डाला। विदाउट ऑक्सीजन आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो जब ये ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एंड देन इससे वाटर निकलता है और एटीपी मॉलिक्यूल। ये एटीपी हमारे शरीर में एनर्जी का काम करती है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। तो आप सबको पता है कि हम लोग नाक से ऑक्सीजन लेते हैं और नाक से ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज अगर करवाना है तो बहुत सी फिजिकल प्रोसेसेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और हमारे बॉडी में लार्ज सरफेस एरिया का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्लीज मुझे ध्यान से सुनो सारे बच्चे लोग, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। बहुत सी चीजें हमारे शरीर के अंदर लाइक थिन, हाईली वैस्कुलर, परमिएबल टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आपकी मान लो नाक है, आपके नाम में आपकी जो नोज है, नोज नाक, उसके अंदर जब घी भर जाता है, घी मलाई, ठीक है, तो ये जो मलाई होती है तब आपके शरीर के अंदर से ऑक्सीजन जाता है क्या? नहीं, तब आप मुंह से ऑक्सीजन लेते हो, है ना। तो ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। जरा सोचो अगर मुंह से ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे और सिर्फ नाक से ऑक्सीजन ले पाओगे तो जिंदगी में कभी तुम ऑक्सीजन ही नहीं ले पाओगे, मर जाओगे। और अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो खाना कितना भी खा लो वो खाना पचेगा नहीं। सपोज अगर डाइजेस्ट हो भी गया तो कार्बोहाइड्रेट से कभी एटीपी मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगी। तो इस बात को हमेशा आप लोग इसे ध्यान रखना अच्छे से। तो एक्सचेंज ऑफ गैस अगर करवाना है तो तुम्हारा जो नोज है वो हाईली वैस्कुलर होना चाहिए और थिन होना चाहिए और परमिएबल, यानी कि कोई भी चीज को अंदर जाने की परमिशन हो दे। और ये थोड़ा सा मॉइस्चर इसके अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम सूख के पपड़ी बन जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में जब आपके अंदर का जो मलाई रहता है वो सूख जाता है तो फिर मस्त एक पपड़ी बन जाता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स की अब नाउ हम बात करेंगे। मतलब यार एग्जैक्टली प्लांट्स कैसे गैसियस एक्सचेंज करते हैं, मतलब गैसेस को प्लांट्स कैसे एक्सचेंज करते हैं। तो बहुत से ऐसे दुनिया में प्लांट्स हैं जो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं बाय डिफ्यूजन। अब आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन भैया? डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स जब मिक्स होते हैं, तो जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंदर जाता है फिर उसके अंदर वो मिक्सिंग होती है एंड देन कुछ वहां से बाहर निकलता होगा। तो प्लांट के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर छोड़ते हैं। तो ये बात ध्यान देना। तो ये किसके थ्रू होता है? अब हमारे शरीर में तो दो छेद है, यहाँ पे देखो अच्छे से दो होल है नाक में, बट प्लांट में कहां से होता रहेगा? तो ये होता है उनके पास पत्तियां होती हैं, लीफ, और लीफ में होता है पोर। पोर मतलब क्या होता है? होल, ठीक है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। तो स्टेम, लीफ, इन सब में पोर होते हैं और इन्हीं पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और उसी ऑक्सीजन को हम लोग अपने बॉडी में लेते हैं। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 6 में आपने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं क्योंकि रिड्यूस था तुम्हारे लिए, तो कोई नहीं। स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा होता है प्लांट की लीफ में, और उसके थ्रू तुमने 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 7-8 में भी पढ़ रखा है कि किस तरीके से प्लांट का स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है और वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है रिलीज और बाहर निकालते रहता है। तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, इन बातों को आप लोग अच्छे से ध्यान देना। आपके यहाँ पे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे देख भी रखा है किस तरीके से लेंटिकल्स एंड बार्क्स होती है जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन एंड ऑल सारी चीजें होती हैं, इन्हें आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, यहाँ ध्यान देना अच्छे से। यस, ओके समीक्षा, एवरीबॉडी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? प्लीज लेट मी नो। मजा नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी, अगर मजा नहीं आ रहा है सो बताओ। ऐसा भाई कुछ होना नहीं चाहिए, तुमको पढ़ाने आया हूँ, मैं खुद को पढ़ाने नहीं आया हूँ। हेलो एवरीवन, प्लीज लेट मी नो। 12th का 3D एनिमेशन, अरे अभी नहीं आएगा रे बाबा, अभी नहीं होगा, बोलो जल्दी। नेक्स्ट क्या हुआ चौहान? सुप्रिया बोलिए ना, आपने इसके पहले जिंदगी में कभी चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है? ये वन शॉट चल रहा है। तो चैप्टर कितना बड़ा है आपको मालूम है? मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा, मुझे अब अपना दुश्मन मत मान लो, बट सच्चाई बोल रहा हूँ। अब इस चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ाऊँ, वीडियो बना के रखा है मैंने,
और वन शॉट का मतलब ये होता है कि जब आप यहाँ पे आओ तो आप पहले से कुछ तो जानते हो, कम से कम 10% 20% तो आपने पढ़ के रखा है, और उसे मैं यहाँ पे रिवाइज करवा के दूंगा। और जब आपको रिवीजन हुआ ही नहीं आपका, आपने जिंदगी में कभी इस चैप्टर को किसी भी बंदे ने अगर पढ़ा ही नहीं है, तो उस बंदे को इस चैप्टर के बारे में कैसे वन शॉट में कुछ भी समझ में आएगा। चाहे आप मेरे से पढ़ लो या किसी भी टीचर से जाओ आप पढ़ लो, मुझे कोई वांधा नहीं है। आप एक बार जाओ कहीं से भी पढ़ लो वन शॉट। अगर आपको मैंने पढ़ाया है, इसके पहले आपने मेरी पूरी डिटेल वीडियो देखी है, तो अब इसे पढ़ने में आपको पक्का मजा आएगा। और अगर नहीं देखी है आपने, तो फिर आपको कैसे समझेगा। मतलब जिस इंसान को पहली बार पहाड़ चढ़ना है, उसने इसके पहले कभी नहीं चढ़ा पहाड़, तो वो तो अब पक्का बात है ना कि उसे समझेगा नहीं, वो गिर जाएगा पहाड़ से। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ प्लीज, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कोई बुरा मत मानो बट सच कह रहा हूं, ठीक है? ओके। और अगर, अरे ये इतना मैंने आपको 2 बार बोल चुका मैं कि चैप्टर नंबर 8 में 2 चैप्टर मिला हुआ है, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, 2 चैप्टर इस एक ही चैप्टर में डाल दिया है। अब मैं क्या बताऊं मैं, ठीक है? मतलब इसमें ना तो तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती है, बोर्ड ने क्या किया है, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को एक ही साथ डाल दिया है। और वैसे ये कंटिन्यूटी भी है, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन की कंटिन्यूटी है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। तो ओके चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बाकी आप जहां से भी देखो तो भाई देख लो, बट मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है? ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं पहले ही कह देता हूँ, ठीक है? चलो हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे देखो अच्छे से। ओके दिव्या, दिव्या बोल रही है मेरे पीछे जो डायग्राम है वो दिख नहीं रही है, अभी दिखेगी, ठीक है? चलो, तो ये चीजें आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, कितना एक एक चीज को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। थोड़ा स्पीड मेरी ज्यादा है, स्पीड थोड़ी मेरी ज्यादा रहेगी ही, तुम भी जानते हो क्यों, क्योंकि तुम्हें भी ये बात पता है कि इतना बड़ा चैप्टर है कि उसे थोड़ा सा मुझे हैंडल करना है और जल्दी खत्म करना है। 25 मिनट अपने ऐसे ही चले गए, क्योंकि एग्जाम के पहले ये सब तुम पढ़ोगे ना मजा आएगा। तो ओके, तो ध्यान देना अच्छे से, गैसियस डिफ्यूजन इन प्लांट। ओके आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन इन एनिमल की बात करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं थ्रू दी पोर, यानी होल होता है उनके लीफ में, उनके स्टेम में, उनके हर जगह पूरे बॉडी के पार्ट्स में, और वहां से वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोमेटा ओपन होता है, देन सारी चीजें ऑक्सीजन बाहर निकलता है और फिर उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। तो हम एनिमल्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, चलो समझते हैं। तो अब ना यहाँ पे देखो अच्छे से कि जो एनिमल्स है ना, हमारे पास बहुत से ऑर्गन्स और रेस्पिरेटरी सर्फेसेस होते हैं, बट एनिमल्स के अंदर जो हम इंसान है, हम इंसानों में सिर्फ नोज ऐसी चीज है जहां से सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते देते हैं, लेते और देते हैं, ठीक है? इस बात को हमेशा आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना। बाकी की जो दूसरे दूसरे एनिमल है उनमें बहुत से और अलग अलग रेस्पिरेटरी सर्फेसेस हो सकता है। ओके, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सी स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है, जबकि और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसा नहीं होता। हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है। तुम बिल्ली, कुत्ता, हॉर्स, गधा, घोड़ा सबको देख लो, हम इंसानों को भी देख लो, हम सबके पास एक नाक होती है और उसमें 2 होल होते हैं जहां पे ऑक्सीजन आता है और जाता है। इस बात को हमेशा समझ के रखना, ठीक है? बस एक बात का हमेशा ध्यान देना कि जब हमारे पास एक अलग से रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रखा है, हमारे पास फेफड़े होते हैं, चेस्ट होता है, एल्वेलाय होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एक अलग से सिस्टम बना रखा है फॉर द रेस्पिरेशन, तो इसका मतलब कि ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनिमल्स यहाँ पे होती है, तो एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए बात करते हैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं किसमें कैसा होता है। तो आपने बचपन में क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था किंगडम एनिमेलिया के बारे में, तो आपने देखा रहा होगा कि वहां पे जो प्रोटिस्टा, स्पॉन्जिस एंड सिलेंटरेट्स होते हैं, ये सारे एक्वेटिक है और इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है। फिर ऐसे फ्लैट वर्म लाइक आपने प्लेनेरिया, एनेलिडा लाइक अर्थ वर्म, निरीस, लीच, फ्रॉग, इन सब के बारे में आप जानते हो, इनके अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है, जो कि जनरल बॉडी में मॉइस्चर इनमें रहता है, ठीक है? इंसेक्ट की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन में चलते हैं और इनके पास ट्रैकियल ट्यूब्स होता है। फिर ऐसे ही बहुत सी चीजें लाइक लिमुलस, फिर ऐसे एरेक्निड्स लाइक स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, इन सब में बुक लंग होते हैं, ठीक है? ऐसे लंग्स रहते हैं, इस बात को ध्यान देना। एम्फीबियंस में सेम एक्वेटिक और एक्सटर्नल गिल्स होती है, आपको पता होगा है ना, फेरेंजियल गिल्स स्लिट होती है एक्वेटिक एनिमल्स में, तो ये बात समझ रखना। फिश के अंदर तो पक्का इंटरनल गिल्स होती है, आपको मालूम है, जितने लोग मछली खाते हैं उन्हें पता भी होगा, उसकी नेक के पास ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है, उसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में लंग्स होते हैं, और टर्टल्स के अंदर क्लोआका होता है, क्लोआका, क्लोआका नाम है उसका, ठीक है? ये बात आपको अच्छे से समझ के रखनी है। चलो अब ना आगे बढ़ते हैं, जरा यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। यस परफेक्टली, अर्थवर्म तो अपने स्किन के थ्रू ही रेस्पायर कर लेता है, कोई इशू नहीं।
अब अपन बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। हमने देख लिया बहुत से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के अंदर, पूरे किंगडम एनिमेलिया के सारे के बारे में देखा किस तरीके से कौन कैसे रेस्पायर करता है। बट अब हम देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, मतलब एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो हमारा इंसानों का रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत आसान है और हमारे अंदर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है भाई। इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का लेना और एक्सपिरेशन का मतलब होता है कि CO2 का बाहर निकाल देना। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैस ऑकरिंग इन साइड आर बॉडी, ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। और ये ना पूरा का पूरा सिस्टम ब्लड के थ्रू, लंग्स के थ्रू, ये सारी चीजें बॉडी के अंदर पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे कि अगर मान लो हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन हमारे ट्रैकिया के थ्रू जाएगा एंड देन उसके बाद हमारे एल्विलाई में जाएगा एंड देन अंदर हमारे ब्लड वेसल होती है, तो हमारा ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां से निकलता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से हमारे ट्रैकिया से होते हुए वापस से बाहर निकल जाता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमारे शरीर में यह कार्बन डाइऑक्साइड आया किधर से। तो जो हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट को हमने जब तोड़ा था, तो आपको मैंने अभी अभी यहां पे दिखाया, अब देखो इस रिएक्शन को किधर गया। देखो अभी मैंने आपको मैंने दिखाया कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को जब आप तोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देखो इस तरीके से निकलता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रहता है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकालते हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ज्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में हो जाएगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। इस वजह से हम लोग इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। अब आप बोलोगे भैया ऑक्सीजन ही क्यों जाता है, तो ऑक्सीजन ही अगर नहीं जाएगा तो वो C6H12O6 यानी जो ग्लूकोज था उसे आप तोड़ोगे कैसे। तो फिर आप सिर्फ रोटी खाओगे और आपकी रोटी पचेगी नहीं। अगर आपकी रोटी पचेगी नहीं मतलब डाइजेस्ट तो हो जाएगी बट जो उसमें से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा वो ब्रेक डाउन नहीं होगा उसका, और अगर उस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फिर समझ जाओ कि आपके अंदर एटीपी मॉलिक्यूल कभी नहीं बनेगा। और अगर आपके अंदर एटीपी मॉलिक्यूल कभी नहीं बनेगा तो फिर समझ जाओ कि आपके अंदर कभी भी जिंदगी में कोई भी सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन एंड लाइक सर्कुलेशन एंड मेनी प्रोसेसेस कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका सेल डेड हो जाएगा और आप मर जाओगे, ठीक है। और यही रीजन है कि जब हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता थोड़ा भी तो फिर हमारे अंदर वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन रुक जाता है और हमारे सेल को एटीपी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसके ब्रेक डाउन से ही तो हमारे बॉडी में एटीपी आती है, तो एटीपी नहीं मिलती है और इंसान का सेल मर जाता है। और जैसे ही सेल की वर्किंग बंद हो जाती है तो हम भी इंसान मर जाती है। तो इस बात को हमेशा अच्छे से याद रखना अच्छे से, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे जरा सारे बच्चे ध्यान दो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो हमारे बॉडी में अब हम लोग इतना सारा ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हमारे पास इसके लिए कोई तो सिस्टम भी होगा ना भिड़ू, ठीक है। तो चलो देखते हैं आखिरकार हमारे पास ऐसा कौन सा सिस्टम है, आखिरकार हमारे पास ऐसा कौन सा सिस्टम है कि जिसके थ्रू हम लोग पूरा का पूरा रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। चलो अब यहां देखते हैं जरा अच्छे से। तो एग्जैक्टली हमारे पास ऐसा कौन सा सिस्टम है, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो यहां देखो, तो सबसे पहली बात, हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरीके से हमारे पास दो टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जो ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि बाहर का, तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि एक्सटर्नल लेयर्स, ये होल, ठीक है, नेसल कैविटी अंदर जो जगह होती है, इंटरनल लेयर्स अंदर भी और जगह होती है, नेसोफेरिंग्स यहाँ पे, नोज, थ्रोट, ये सब कुछ एक्सटर्नल अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लोअर की बात करें तो ये लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रांकाई, फिर उसके अंदर छोटे छोटे ब्रांकियोल्स, देन लंग्स, ये सब कुछ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, आई होप आपको ये चीजें समझ में जरूर आएंगी। देखो अच्छे से जरा यहाँ ध्यान दो, तो जो यहां से, जैसे कि देखो नेसल कैविटी, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, नेसल मतलब नाक वाली कैविटी। तो ये फेरिंग्स का पार्ट आप देख लो, फेरिंग्स के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे नॉस्ट्रिल एंड माउथ, एवरीबॉडी यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, नॉस्ट्रिल तो सामने का पार्ट है, ठीक है। देखो बीच में यहाँ पे लैरिंग्स है, लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, जो मैं बोल पा रहा हूं ना ये सिर्फ लैरिंग्स की वजह से बोल पा रहा हूं। देखो फिर यहाँ पे ट्रैकिया आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से सारा सिस्टम होता है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ, जरा यहाँ पे देखो अच्छे से। तो ये ज्यादा ऐसा तो नहीं बनाऊंगा बट स्मॉल स्मॉल करके ऐसे बना देता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिस्टम है, ठीक है, अब ध्यान देना। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये छोटे छोटे और भी चीजों में डिवाइड होता है इस तरीके से, और फिर ऐसे यहाँ पे जुड़ा होता है ये चीजों से। अब आपको अच्छे से डिटेल में ये चीजें समझ में पक्का आ जाएगी। देखो कैसे, देखो भाई, तो यहाँ पे क्या, ये नेसल कैविटी है और जो ये चीज है ना यहाँ पे होता है लैरिंग्स, और यहीं पे बाजू बाजू में रहता है फेरिंग्स, देन ये वाला चीज जो है ये ट्रैकिया है, फिर जो ये वाला चीज है ये है हमारा ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ये ब्रोंकस, अच्छा सॉरी ये ब्रोंकस, एग्जैक्टली इसको काट लेना पड़ेगा, ब्रोंकस, ओके।
और जो ये छोटे छोटे पार्ट है ये है हमारा ब्रोंकियोल्स, मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना जनाब। और ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये है हमारा एल्विला है। तो यहां पे देखो, देखो एल्विलस दिख रहा होगा आपको, देखो ये हमारा पूरा मेन पार्ट और देखो यहाँ पे एल्विलाय है। तो इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान में रखना अच्छे से, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई होप ये अच्छे से विजिबल होगा। मैंने खुद 144 PP का रखा, कैसे दिखेगा? 360 PP आप दिख रहा होगा। हाँ क्लियर दिख रहा है, बहुत सुंदर। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान देना। चलिए, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो जरा, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे नोज के बारे में। हमारे शरीर में सबसे पहले नाक है। अब ये जो भी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे देखा, किस तरीके सारा सिस्टम, यहाँ पे देखो डायफ्राम, ये नीचे से एक पट्टी होती है, जो ऐसा करने से सांस ऊपर नीचे लेने से ये थोड़ा सा हिलती डुलती है, तो ये डायफ्राम है। ठीक है, एक बात ध्यान देना अच्छे से। बाकी ये रिब्स है, रिब्स के अंदर हमारा ये लंग्स होता है, लेफ्ट लंग और राइट लंग्स, ये चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहला हमारा पार्ट है नोज। तो नोज हमारा पेयर में होता है, ठीक है, और इसके अंदर नॉस्ट्रिल्स होते हैं जहां से गैसेस को एंट्री मिलती है। नेसल कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, नाक की खाली जगह। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आपने देखा होगा नाक में एक यहाँ पे हड्डी होती है जो कि बहुत स्मूथ हड्डी है, मतलब ये मूव कर सकती है। तो ये हड्डी जो होती है जो मूव करती है, तो ऐसी मूवेबल हड्डी, वैसे हार्ड होती है बट जो हड्डियां मूव करती है उन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कान के पास भी तो हड्डियां हैं बट ये मूव करती है तो कार्टिलेज है। तो हमारे नाक में मिसेथमोइड कार्टिलेज होती है, मिसेथमोइड कार्टिलेज, इसे ध्यान रखना अच्छे से, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। हमारे नोज के कुछ तीन पार्ट है इंपॉर्टेंट वाले, आप जिन्हें अच्छे से आई होप याद रखोगे। तो पहला है वेस्टिब्यूल, दूसरा है रेस्पिरेटरी पार्ट, तीसरा है ऑल्फैक्ट्री और सेंस चैम्बर। अब आप ऑल्फैक्ट्री और सेंस चैम्बर क्यों बोला है, क्योंकि आप देखो आपके घर में अच्छा पकवान बनता है, खाना बनता है, तो आप उसे सूंघते हो, तो उसकी स्मेल, उसकी अच्छी फ्रेग्रेंस भी आपको सुहाई देती है। तो इसके वजह से ना ये सब नाक की वजह से होता है। तो वहां पे होते हैं कुछ ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियल टिश्यू। वो ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियल टिश्यू क्या करते हैं, आपके उस सेंस को सेंस करके ब्रेन तक लेके जाते हैं। रेस्पिरेटरी पार्ट की अगर बात की जाए तो ये मिडल थिन वॉल लेयर होती है, जो कि ऑक्सीजन को जब आप लेते हो तो ये मॉइस्चराइजेशन और वार्मिंग कुछ ऐसा गर्म कर देता है उस चीज को, जिससे कि वो जल्दी अंदर पहुंच सके। वेस्टिब्यूल वाला पार्ट आपने रिप्रोडक्शन पार्ट में भी सीखा रहा होगा। वेस्टिब्यूल मतलब कुछ एक होल है ना, एक होल, होल पोर। ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट यानी कि इस पार्ट में यहाँ पे वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है, और जहां पे हल्के से हेयर हेयर बाल भी प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर से स्किन होती है और ये अंदर होल है। दिस इज द वेस्टिब्यूल वाला पार्ट। तो आई होप आप इसे समझ के रखोगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फेरिंग्स। अब हम यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, फेरिंग्स की बात करते हैं। यहाँ ध्यान देना अच्छे से, नाउ लिसन केयरफुली। हेलो एवरीवन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज गोइंग वेल और नॉट, प्लीज लेट मी नो, एक बार मेरे को बता दो सब लोग। सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा बड़ा हो गया। यस, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बोलो सर, समझा, बहुत बढ़िया सुप्रिया, वाओ सर। नेसल कैविटी फेरिंग्स में आता है क्या? नेसल कैविटी फेरिंग्स में किसे आएगा? नेसल कैविटी मतलब ये अंदर का जो कैविटी, मतलब खाली जगह है, नेसल मतलब नाक का, तो नाक का अंदर का खाली जगह, फेरिंग्स यहाँ है। अब मैं कैफे हाथ फाड़ के नहीं दिखा सकता, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। यहाँ पे एग्जैक्टली फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, लैरिंग्स इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। फिर उसके बाद यहाँ पे अंदर जाओगे ना, ऐसा अंदर तो ट्रैकिया, अब ये खोल नहीं सकता मैं, अंदर कैसे दिखाऊंगा, नहीं तो सब बोलो खोल देता हूँ फट से, बॉडी नहीं मेरे को। ठीक है, तो अंदर से ट्रैकिया जाएगा, ट्रैकिया, देन ट्रैकिया ऐसा डिवाइड होता है ब्रोंकस में, देन ब्रोंकस ब्रोंकियोल में डिवाइड होता है, एंड देन एल्विलाय जहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। अभी मैं उस एल्विलाय के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। चलो आगे बढ़े। वेलकम सत्यजीत, कैसे हो? 11th का बायोलॉजी चैप्टर 5 डालो। ओके, डाल दूंगा रे बाबा। अभिनायक क्या प्रॉब्लम है बताओ ना अभिनायक, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, बोलो। ठीक है, बोलो जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम रहे बोलो, फिर आगे फटाफट बढ़ता हूँ। अपन फायरिंग्स तक पहुंच गए, इतना बड़ा चैप्टर है, बाप रे बाप। सर डेड बॉडी लेके आओ, डेड बॉडी, वाओ। डिजिटल बोर्ड इज अंडर मेंटेनेंस, यस, एल्विला लाइक द्राक्षा, वाओ। अरे अभिनायक किधर गया, उसने बोला मजा नहीं आया, तो बताओ ना भाई क्या प्रॉब्लम है, मतलब
पहले बोल देते। मतलब ऐसी सिचुएशन है ना यार, कि क्या करेंगे, कैसे समझाया जाए, कुछ समझता ही नहीं। पहले बोलते हैं कि नहीं समझा, फिर मैं बोलता हूँ क्या नहीं समझा, तो ये भी नहीं बताते कि क्या नहीं समझा। सर इस चैप्टर को 2 लेक्चर मिलो। हाँ चलेगा, मैं 2 लेक्चर में लेता हूँ। ऐसा बताओ ना, तुम लोग को सिखाने इधर आया है, मैं खुद को सिखाने नहीं आया। तुम लोग बोलोगे 2 लेक्चर मिलो, आई विल टेक, क्या इश्यू है। वैसे बड़ा चैप्टर है, कल भी लेक्चर लूंगा, अब एक्स्ट्रा लेक्चर रखूंगा बायोलॉजी और मैथ्स का, जल्दी कवर हो जाएगा, तो टेंशन क्यों ना का कोणीपन। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्टार्ट करूं, आगे बढ़ू, मराठी बोलो दादा थोड़ा सा। ओके शिवाजी कसा है तुम्ही? मी तरी मस्त आहे, आणि मला पण थोडा थोडा मराठी बोलायला येते, असं काय नाही। शानदार सेशन, वाह। डिजिटल बोर्ड प्लीज, अच्छा वाला, बट ये वाला भी अच्छा है यार, ऐसा नहीं कि डिजिटल बोर्ड ही सिर्फ अच्छा है, ये वाला भी बेस्ट लग रहा है मेरे को तो। ठीक है चलिए शुरू कर दे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। या आसानिया, थैंक यू। या लेट्स बिगिन। चलो स्टेटस अमित, हाउ आर यू अमित? मिहिर, क्या बात है मिहिर, एकनाथ, वाह वेलकम। चलो ठीक है, तो शुरू किया जाए। तुम्ही खूप खरंच चांगली मराठी बोलतो। ए असं काय ना रे बाबा, मला जास्त मराठी बोलायला येत नाही। मी काय ना, मी थोडा थोडा ट्राय करतो, काय इश्यू होते ना तरी तुम्ही सगळे हसून घ्या। मला जास्त मराठी बोलायला येत नाही, तरी पण मी ट्राय करतोय, असं काय नाही। चला आता पुढे जाऊया, इकडे बघा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फॅरिंग्स। ओके लेट्स बिगिन। तो फॅरिंग्स एक्जॅक्टली क्या, इट इज डिविजिबल इंटू थ्री पार्ट्स, याद रखो अच्छे से। पहला है नेसोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स एंड द लास्ट वन इज ओरोफेरिंग्स। ठीक है, याद रखो अच्छे से। तो नेसोफेरिंग्स सबसे, देखो फेरिंग्स ये पूरा पार्ट है, मुझे दिखाना पड़ेगा, तो ये पूरा पार्ट, ओके एक मिनट, ये पूरा पार्ट फेरिंग्स का है। तो इस फेरिंग्स में सबसे टॉप मोस्ट वाला पार्ट नेसोफेरिंग्स है, जो नेसल कैविटी के पास है, जो नेसल कैविटी के पास है वो नेसोफेरिंग्स है। देन ओरोफेरिंग्स एग्जैक्टली ये मिडल वाला पार्ट है, एंड जो लैरिंगोफेरिंग्स है, जो वो कहलाएगा जो लैरिंग्स के पास है। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान देना। तो जो लैरिंग्स के पास वाला पार्ट है वो लैरिंगोफेरिंग्स है, तो पूरा फेरिंग्स ही, ये पूरा फेरिंग्स है। बट इस फेरिंग्स के 3 पार्ट, सबसे ऊपर वाला ये नाक के पास है ना, तो इसलिए नेसल कैविटी वाले पार्ट को नेसोफेरिंग्स, बीच वाले को ओरो एंड लास्ट वाले को लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पे टॉन्सिल्स रहता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान दो अच्छे से, एक टाइप का ये ऑर्गन होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैरिंग्स की। अब आपको पता है लैरिंग्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स है, क्योंकि इसी से आवाज निकलती है। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये आवाज इसी लैरिंग्स की वजह से निकल रही है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अभी एक लड़का पूछ रहा है, सर बोर्ड एग्जाम होगी कि नहीं होगी? आपने न्यूज नहीं देखी क्या, आपका कॉलेज चालू होने वाला है? आपने न्यूज नहीं देखा, आप लोग का कॉलेजेस चालू होने वाला है। बात कर रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, तुम्हारा कॉलेज चालू होने वाला है रे भिडू। ठीक है, ध्यान रखो अच्छे से। चलिए, एक बंदा कह रहा है आवाज नहीं आ रही, तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ देखो अभी नाउ लिशन केयरफुली, हाँ नहीं तो मेरे को मालूम है आवाज आ रही है। सो यहाँ देखो, अब नाउ प्लीज लिशन केयरफुली, यहाँ देखना अच्छे से कि लैरिंग्स जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। अब आप बोलोगे भैया रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, तो जो यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, तो यहाँ पे जर्नी नाक से शुरू होती है, नाक से, तुम लोग मेरे नाक देख सकते हो, तो नाक से जर्नी शुरू होती है और यहां से ऐसे जा करके अंदर से, ठीक है यहां से, और ये पूरा सिस्टम ऐसा, अभी मैं ये पूरा खोल नहीं सकता, तो यहां से पूरा ऐसे सिस्टम इस तरीके से यहां तक ऑक्सीजन का पूरा, जिसके अंदर नाक यानी नोज, फिर नेसल कैविटी, देन उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के तीनों पार्ट अभी जो हमने पढ़े है ना, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लैरिंग्स, देन उसके बाद हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद हमारा जब आता है यहाँ पे ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल, देन एल्विलाई। तो इस तरीके से सारी चीजें, ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये पूरा वोकल कॉर्ड तक कंटिन्यू रहता है। हमारा जो यहाँ पे लैरिंग्स है, ये लैरिंगोफेरिंग्स तक एक्सटेंडेड है, यानी कि लैरिंग्स यहाँ पे है तो ये ऊपर लैरिंगोफेरिंग्स तक भी है और नीचे ट्रैकिया तक भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। हमारे अंदर जो वोकल कॉर्ड है जिसमें से आवाज निकलती है वो इलास्टिक है, यानी कि इट इज मूवेबल। ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, जो वॉइस होती है ना वो कैसे प्रोड्यूस होती है। तो आपने कभी देखो, तो वो विसल आती है, विसल ऐसे बजाते हो, ऐसे बजता है ना, वो आपने बजाया रहेगा। उसके अंदर देखो, जब आप विसल को बजाते हो तो इधर से हवा छोड़ते हो,
जब आप इधर से हवा छोड़ते हो ना, तो वो विसल बजती है, तो आप जब हवा डालते हो तभी ना वो बजती है। तो बस ऐसे इसका भी काम है। तो हमारा जो एग्जैक्टली जो हमारा ये वॉइस बॉक्स है, इसमें जैसे हवा जाती है तो इसमें से आवाज निकलती है। आवाज कैसे निकलती है? ऐसे। फिर इस वाली आवाज को हम लोग कैसे ये वर्ड्स में कंट्रीब्यूट कर देते हैं, किस तरीके से वर्ड्स में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे? तो एग्जैक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस लंग, ये टंग, टंग, ओके। तो ये जो हम बोल रहे ऐसा, ये जो टंग है, टंग, ये टंग क्या करती है? जो टंग है, ये टंग क्या करती है? ये हमारे आवाज, उस वाली आवाज को वर्ड्स में कन्वर्ट कर देती है, जैसा हम चाहते हैं वैसा कन्वर्ट कर देती है। अब अगर कभी कभी हमें आवाज को बदलना होता है, जैसे कि कुछ इस तरीके से हम लोग अपनी आवाज को बदल देते हैं, तो ये भी सब कुछ ना हमारे जस्ट इस लैरिंग्स को दबाने से होता है। अगर हम इस लैरिंग्स को दबा के, अभी मैं ऐसे बोल रहा हूं, अभी मैंने इस लैरिंग्स को दबा दिया तो आवाज थोड़ी सी पतली निकलने लगेगी, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, इस तरीके से आपके अंदर की आवाज निकलना चालू हो जाती है। एंड यू ऑल विल एंजॉय दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ओके, तो इस चीज का थोड़ा सा आवाज ध्यान देना। आप इसी तरीके से शेर की आवाज, बहुत कुछ आवाज निकाल सकते हो अगर तुमने अपने लैरिंग्स में कंट्रोल पा लिया। तो आगे निकलते हैं। लैरिंग्स जो एग्जैक्टली होता है, ये लैरिंगो फेरिंग्स पे ओपन होता है, एंड एक जगह पे यहाँ पे ना एक लीफ लाइक ट्रैकिया के ऊपर एक चीज होती है, गार्डेड सिस्टम रहता है, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। चलिए मैं इस चीज को सब डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। जरा देखो अच्छे से इस चीज को थोड़ा सा। देखो ये जो ऊपर का पार्ट है, दिस इज द एपिग्लॉटिस, आई होप आपको दिख गया होगा, दिस इज द एपिग्लॉटिस, इसी की बात कर रहा था। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। और लैरिंगियो प्रोमिनेंस यानी एडम्स एप्पल, देखो हम मेल लोग को एडम्स एप्पल होता है, आप लोग को दिख रहा होगा इधर पे, हम सभी मेल को ये बाहर निकलता है और गर्ल्स लोग को नहीं होता, क्योंकि गर्ल्स लोग ना हमेशा अच्छा बोलते हैं, इसीलिए उनको नहीं होता। कुछ बुरा नहीं बोलूंगा, मैं रोस्ट कर दूंगा, नहीं तो अगर मैंने रोस्ट कर दिया ना तो गर्ल्स लोग बोलेंगे कट्टी आज से और आपके लेक्चर में आना बंद। सिर्फ हम लोग को रोस्ट करते हो, सिर्फ बॉयज लोग को सपोर्ट करते हो, तो आप जाओ, बाय बाय, टाटा, टेक केयर भाई। तो मेरे को ऐसा नहीं करना यार, सपोर्ट। आप देवी हो, आप परम ब्रह्म परमेश्वरी हो, आप सब भगवान हो, स्वयं साक्षात परम देवी हो, इस दुनिया की निर्माता हो, आप लोग को जो जो बोला जाए सब कुछ हो, सब भगवान हो आप लोग। आप लोग क्या बोलते हैं उसको, गाना आया था, परम बुद्धिमान परम सुंदरी सब कुछ तुम लोग हो, हम लोग तो बस येड़े हैं पहाड़ी लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इनडायरेक्टली रोस्ट हो गए ना तुम लोग, चलो कोई नहीं। तो लैरिंजियल प्रोमिनेंस की अगर बात की जाए, तो ये एग्जैक्टली जो प्रोमिनेंस मतलब बाहर निकला हुआ चीज, इसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद देखो हमारी ये ट्रैकियल कार्टिलेज शुरू होती है। ट्रैकियल कार्टिलेज मतलब बोन, मतलब ट्रैकिया की बोन, ट्रैकियल कार्टिलेज जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, इस बात को आप लोग को ध्यान देना अच्छे से। चलो नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। तो ये गाइस हमारा अब सेकेंड पार्ट चालू होता है, ये पहले की नोट्स बहुत प्यारी वाली है। तो ट्रैकिया की अब हम बात करेंगे, हमारा लैरिंग्स वाला पार्ट खत्म, अब ट्रैकिया की बात करेंगे। आप लोग को अच्छे से विजिबल होगा, ये डायग्राम आपके बुक में नहीं है। देखो ये लैरिंग्स के बाद हमारा, देखो ट्रैकिया वाला पार्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, देख सकते हो लैरिंग्स के बाद हमारा ट्रैकिया वाला पार्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ट्रैकिया के ऊपर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्रिपिंग है, नहीं कैसे, देखो कुछ हड्डियों की ग्रिप है, हड्डियों की देखो यहाँ पे ग्रिप बनी हुई है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान से देखना, अभी मैं सिखाता हूँ क्या चीज है। तो ट्रैकिया एक 10 से 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग पाइप है और ये इसोफेगस के सामने होती है। अब आप बोलोगे भैया ये इसोफेगस क्या है? देखो भाई ये जो यहाँ पे, इसके अंदर अगर मैं ऐसा तोड़ के अंदर घुसूंगा ना, तो क्या रहता है ना, तुम जानते हो मतलब तोड़ नहीं दूंगा वरना मर जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे दो पाइप होती है, एक विंड पाइप और एक फूड मटेरियल वाली पाइप। वो जो फूड मटेरियल या पानी वाली पाइप है उसे हम लोग इसोफेगस कहते हैं, और एक उसके ऊपर विंड पाइप होती है, उसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ना करीबन 16 से 20 रिंग होती है, ये जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया अभी। ठीक है, ये जो इसके ऊपर है ना, ये इसके ऊपर ये रिंग है, ये है क्या, 20 से 25 ऐसा रिंग है यहाँ पे, आप ध्यान से देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा रिंग होता है इसके ऊपर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है, देखो ना यहाँ पे, ये 1 2 3 4 ऐसा 15 से 16 रिंग होती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना अच्छे से। जो ये इंटरनली जो ट्रैकिया है, ये अंदर ही अंदर किस चीज से बना होता है, कौन सी टिश्यू से बना होता है, तो ये इंटरनली
यहां पे जरा ध्यान देना, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब आप बोलोगे भैया ये क्या चीज है, अरे भाई 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा था एपिथेलियल टिश्यू के कम से कम 7 से 8 टाइप होते हैं, जिसमें से एक है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। उसी टिश्यू से ये बना होता है, इनमें ग्लैंड्स होती है, म्यूकस होता है और बहुत से अनवांटेड पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोक लेता है। अरे ये इतना खतरनाक रजिस्टिव सिस्टम है कि अगर तुम्हारे शरीर में थोड़ा सा गलती से भी उस इको इसोफेगस वाली पाइप में को तुम्हारे अंदर का पानी या खाना ना जा करके अगर इस विंड पाइप में पहुंच जाएगा ना, तो तुमको खांसी आने लगेगी और तुम्हारी एकदम तुम्हारे शरीर की वाट लग जाती है खांसते खांसते। आपने ये चीज को इमेजिन भी किया होगा अच्छे से, ठीक है, मतलब कितना डेंजरस चीज होती है वो। अरे आप ही सोचो ना यार कि ये जो ट्रैकिया है ये यहां से जाके लंग्स में एंड ब्लड वेसल्स में जाने वाला है, तो अगर मान लो चावल या खाना या पानी का कुछ भी बूंद वगैरह अगर तुम्हारे शरीर से वहां से निकल के ऐसे यहाँ चला गया, तो सोचो ना तुम्हारे शरीर में कितना प्रॉब्लम होगा। इसीलिए खाना खाते वक्त या कुछ भी करते वक्त कभी भी हंसना खेलना कूदना कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप खाना पीना शांति से खाना चाहिए। अगर गलती से भी जाता है ना, तो सोचो ना वो पानी हवा वाली पाइप से कहाँ जा रहा है पानी, वो एल्वियोलाई में जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा, वो पानी कितना गंदा होगा, प्यूरिफाई भी नहीं रहेगा, तुम्हारे ब्लड में सीधा पहुंच जाएगा पानी, फिर तो तुमको बीमारी होना फिक्स है। तो बहुत कुछ हो सकता है यार, थोड़ा ध्यान रखो अच्छे से, मतलब बच के रहने का। चलो आगे निकलते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे ब्रोंकाई की। तो आपको समझ में आएगा कि अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, मतलब ट्रैकिया हो गया, अब हम ब्रोंकस की बात करेंगे। तो ब्रोंकस एग्जैक्टली ना राइट और लेफ्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, और इसके पास भी सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, देखो ये ट्रैकिया का पार्ट संपला, ट्रैकिया चे पार्ट का झाला इकड़े, ट्रैकिया से पार्ट का जरा बाबा संपला, ओके नाउ अतः ये वाला पार्ट देखो जरा अच्छे से, यहाँ पे देखो ये आपको पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये हम इसकी बात करेंगे, ये वाला हमारा ब्रोंकाई का पार्ट है, ये हमारा पूरा ब्रोंकाई का पार्ट है। एंड देन उसके अंदर देखो छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स है ना, ये छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स है, ओके, एंड देन यहाँ पे देखो एल्विलाई रहता है, ऐसा यहाँ पे ऐसे एल्विलाई रहता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। चलो हम आगे आगे की तरफ निकलते हैं। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा लंग्स, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, लंग्स की बात कर रहा हूँ, LUNGS लंग्स, ओके नाउ लेट्स बिगिन। तो ये एक ना बहुत बड़ा और मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मतलब लंग्स नहीं तो कुछ नहीं समझ रहे हो, लंग्स नहीं तो कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया, ओके आगे की बात करते हैं। तो ये एग्जैक्टली स्पॉन्जी इलास्टिक, मतलब ऐसे ऐसे फैल सकता है, और थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी का मतलब होता है कि एग्जैक्टली जो ये रिब्स है, ये जो रिब्स है इस रिब्स के अंदर ये प्रेजेंट रहता है, इस चीज को हमेशा ध्यान देना। ये इसके बाहर की जो, इसके पास कुछ लेयर होती है, डबल लेयर होता है ये, और उसमें से आउटर पराइटल लेयर से बना होता है, आउटर पराइटल मतलब ऊपर बाहर की लेयर, और इनर विसरल लेयर अंदर की एक विसरल मेम्ब्रेन से बना होता है, इन चीजों को ध्यान देना अच्छे से, ओके। इसकी जो कैविटी होती है कुछ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड से भरी होती है। आपने किसी से सुना भी होगा कि अरे इसका बेटा तो मर गया क्योंकि उसके फेफड़े में पानी भर गया था, कभी सुना है ये बात, आपने सुना होगा कि अरे इसका बेटा मर गया, छोटा था, ठंडी लग गई तो फेफड़े में पानी भर गया तो मर गया, वो सुना है कि नहीं सुना है। ये ऐसे ही होता है, जब निमोनिया हो जाता है ना तो फिर फेफड़े में पानी भर जाता है, ये जो विसरल मेम्ब्रेन है यहां से लुब्रिकेटिंग फ्लूड दूसरा वाला फ्लूड या पानी निकल के फेफड़े में जाता है, इंसान मर जाता है। तो ये सारी चीजें आपने कभी ना कभी सुनी होगी, ठीक है, नहीं सुनी तो बहुत अच्छी बात है, अभी मत सुनना अच्छा है। तो ये बहुत से मेम्ब्रेन रहते हैं उनके थ्रू ये सीक्रेट होता है। चलो आगे की बात करते हैं बच्चा बाड़ी। तो हमारा जो लंग है एग्जैक्टली तीन लोब में डिवाइड होता है, थ्री लोब्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो पहला है लेफ्ट लंग्स, ये थोड़ा स्मॉलर, और बाकी के दो लोब्स डिवाइड होते हैं दूसरे वाले में, ठीक है, इस बात को थोड़ा समझ के रखना। बाकी के इसमें 10 से 12 एल्विलाई, ग्रेप्स का गुच्छा होता है ना, ग्रेप्स अंगूर, वैसा ही ये एल्विलाई रहता है, ठीक है। तो पहले ट्रैकिया, देन ब्रोंकस, देन ब्रोंकस से ब्रोंकियोल, देन एल्विला, इस तरीके सारा सिस्टम है। देखो लैरिंग्स, ट्रैकिया, देन ये हमारा है क्या, ये हमारा ब्रोंकस, एंड देन इसके बाद क्या आता है, ये ऐसे बहुत से चीजों में डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये है हमारा ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, एंड देन इसमें लगा होता है, ये है हमारा एल्विला, ठीक है, इस चीज को अच्छे से ध्यान देना। तो ये डायग्राम थोड़ा समझ के रखो। अब देखो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं, ये है हमारा एल्विलाय, ठीक है, ऐसी डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने कहां कहां से ढूंढ के लाया हुआ मेरे को ही मालूम है, वेलकम नूब सागर। यहां देखो तो एल्विलाय की अब हम बात करते हैं। तो एल्विलाय हमारा एक थिन वॉल्ड यानी पतली वॉल से लॉबुलेटेड स्ट्रक्चर है। आप बोलोगे भैया लॉबुलेटेड मतलब क्या,
देखो ऐसा अंगूर के गुच्छे जैसा, ऐसा लॉब्यूल है ना, ऐसे लॉब्यूल, लॉब्यूलेटेड होता है ये, लॉब्यूलेटेड, तो बंच ऑफ ग्रेप जैसा दिखता है ये, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं, इसके अंदर ना बहुत सी चीजें लाइक पल्मिनरी आर्टरीज, पल्मिनरी वेन्स, बहुत कुछ होता है। इनका काम क्या है हम अभी आगे समझने वाले हैं। इनके अंदर सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल से बना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली द स्क्वैमस एपिथेलियल, यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन द चैप्टर नंबर 9, सॉरी चैप्टर नंबर, ओके चैप्टर नंबर 9, क्लास 9th में आपने पढ़ा था इसे, इवन आपने क्लास 11th में भी इसे पढ़ा है कि स्क्वैमस एपिथेलियल एक आउटर लेयर होती है। तो ये यहाँ पे हम इस एल्विलाई ऑर्गन के आउटर लेयर की बात कर रहे हैं, जहां पे करीबन 700 मिलियंस ऑफ दूसरे एल्विलाई के मतलब मिलियंस ऑफ एल्विलाई प्रेजेंट होती है इन साइड द लंग्स। दे प्रोवाइड सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंजिंग द गैसेस, जैसे कि हवा में से ऑक्सीजन हमारी नाक लेता है और यहां से अंदर लेके जाता है, उसी तरीके से अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें से ये एल्विलाई क्या करता है, अपने ऑक्सीजन को देता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये काम इसका होता है, इसे समझ के रखना अच्छे से। और लास्ट टॉपिक है हमारा डायफ्राम। तो डायफ्राम की चलो अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। विलेज ब्लॉक्स कह रहा है सर बोर्ड, रुको रुको रुको, एक बच्चा कुछ कह रहा है, रुक जाओ भाई रुक जाओ, अपने को थोड़ा बड़ा होना पड़ता है। हाँ अब बोलो, किधर गया कमेंट उसका। सर बोर्ड्स ऑफलाइन हो गए आज पता चला, प्लीज 10 दिन का शेड्यूल बता दो प्लीज। सर बोर्ड ऑफलाइन हो गए आज पता चला, प्लीज 10 दिन का शेड्यूल बना दो प्लीज क्लास 12th। 10 दिन का, 10 दिन का शेड्यूल बता दो, मतलब कहना क्या चाहते हो समझा नहीं, व्हाट इज द मीनिंग, थोड़ा बोलो यार मुझे समझाओ। बोर्ड तो ऑफलाइन ही होने वाला है तो सबको पता है, मतलब 10 दिन का क्या शेड्यूल तुम्हें चाहिए वो बताओ मेरे को, 10 दिन का कैसा शेड्यूल चाहिए, 10 दिन का क्या शेड्यूल चाहिए वो बोलो, बोलो 10 दिन का क्या शेड्यूल चाहिए। स्ट्रेटजी वीडियो, सर नेहा लड़का है सर, अरे वाह वाह, नेहा लड़का है बहुत बढ़िया नेहा लड़का है अच्छी बात है अब मुझे नेहा से क्या करना है, मैं सिंगल बंदा हूँ, मुझे नेहा भी मुझे कोई नहीं चाहिए, मतलब यस आई डोंट वांट एनीवन इन माय लाइफ, ऐसे ही रहना मुझे, तुम्हें बिलीव नहीं होगा बट मुझे कैरियर में फोकस करना है, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरे लाइफ में कोई आएगी सो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, आई अप्रिसिएट कि अगर वैसी कोई आए और जिससे मेरी लाइफ और अच्छी हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई होगी दुनिया में, होगी तो बात की बात है देखा जाएगा, बट अब तक नहीं तो अभी भी नहीं, आगे पता नहीं क्या है, अब कल कोई क्या हो जाए आई डोंट नो, बट कोई ऐसा इंसान हो जो सबसे बेस्ट हो, सो ये सारी चीजें अच्छी होती हैं। यस सो बाकी अभी कोई नहीं और ना ही इसके पहले कभी था। सर प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कोई टिप्स, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कोई टिप्स, कुछ नहीं सब पास हो जाओगे, सिर्फ वाइवा में अच्छे मार्क्स निकालना। कंप्लीट सिलेबस इन 10 डेज, कंप्लीट सिलेबस इन 10 डेज। देखो मैं तुम लोग के लिए क्या क्या प्रोवाइड करूंगा, अभी अभी तो ये वन शॉट खत्म करेंगे हम लोग जनवरी लास्ट के 30 दिन तक, फिर उसके बाद हम लोग महामैराथन लाएंगे जिसमें हम लोग जानते हो तुम लोग को क्या प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ना हम लोग तुम लोग को ये प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट एक ही सेशन में तीन तीन चैप्टर का वन शॉट, एक ही सेशन में तीन तीन चैप्टर का वन शॉट हम लोग तुम लोग को देंगे, देन वो खत्म हो जाएगा ना। तो जैसे कि मान लो कल तुम्हारा एग्जाम है, मान लो कल अभी जैसे कि अभी तुमने पढ़ा और कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, तो कल केमिस्ट्री है तो आज पूरा केमिस्ट्री लाइव सेशन में हम लोग तुम्हें प्रोवाइड करके देंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग तुम्हें देने वाले, ठीक है सब कुछ हम लोग तुम्हें देंगे। चलो ना लेट्स बिगिन, शुरू कर दे। तो अभी तो इतना दे रहे हैं तो पहले इसे तो अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ोगे नहीं सिर्फ इधर उधर कंफ्यूज हो तो कैसे काम चलेगा। अब तुम्हारे हाथ में, तुम्हें जो बच्चा हमको फॉलो कर रहा है आगे जाएगा, ठीक है चलो आगे बढ़े, अभी आगे बढ़ा जाए, शुरुआत करूं। मॉडल पेपर इंग्लिश लेक्चर तो दे रहा हूँ रे भाई, सर मुझे ओमिक्रॉन हो गया, अरे भाई खतरनाक, बच के रहो भाई यार, बच के रहो थोड़ा सा, मतलब कहीं बाहर जाओ मत, कुछ करो मत, खेलो कूदो घर में रहो, ठीक है उधर के रहो, बाहर ज्यादा मत घूमो। चलो आगे बढ़ो
जानता, मेरे भी घर में बहुत से इश्यू हैं, बट कोरोना वगैरह तो अभी किसी को नहीं हुआ है। मेरे भी पापा को चेकअप वगैरह करवा रहा हूँ, तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं झेल रहा हूँ अभी। मतलब घर के सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है, तुम्हें पता है, पूरा घर को सिर्फ मैं मैनेज करता हूँ, आज से नहीं, पूरे 4 साल से। मतलब आई एम द ओनली हु इज अर्निंग, मतलब कोई अर्निंग का सोर्स नहीं मेरे घर में, सिर्फ मैं हूँ। आज 4 साल से, व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, तब से अपने पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर थी। सो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील एवरीवन्स प्रॉब्लम, और इसलिए मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ इसी कठिनाइयों से निकल रही है। हालांकि इन्हीं कठिनाइयों ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है कि आज इतने सारे लोग, महाराष्ट्र से करीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग मेरे को जानते हैं, ठीक है। और हर बैच को हम लोगों ने अच्छे से सिखाया, बहुत आगे के तक चीज़ें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बहुत कुछ मैंने कर रहा हूँ एक साथ, इतने सारे काम। तो जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। ओके, तो मैं भी तुम्हें यही कहूँगा कि किसी भी परेशानियों से हारो मत, और दुनिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उससे डरो मत, इनका सामना करो और बहुत आगे बढ़ोगे। अगर तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम है उसको हाथ में हाथ लेके बैठ के डरते रहोगे ना, कुछ नहीं होगा। इस बात को हमेशा समझ के रखना। अब जैसे कि मैं जब 11th 12th में था, अभी जैसे कि तुम लोग की एज है, इसी एज में मेरे घर में फादर की तबीयत का इशू हो गया, देन उसके बाद मैं क्या करता, मैं किधर जाता, तो मुझे वर्क करना चालू करना पड़ा, वरना मुझे मुंबई छोड़ के गाँव जाना पड़ता, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। और अगर आज सोचो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, तो आज मैं तुम लोग को कौन पढ़ाता। मतलब प्रशांत नाम का बंदे को तुम जिंदगी में कभी नहीं जानते। सो मैंने स्टैंड लिया, मैंने बोला कि मैं रात रात भर काम करता था, रात को जाके मैं जॉब करता, दिन में कॉलेज और अपनी पढ़ाई, सिर्फ मैं दिन के 2 से 3 घंटे सोता था। मेरे आंखों की वो हाल हो गए थे ना, अब थोड़ा रिकवर हो रहा हूँ मैं, 3 साल से रिकवर हो रहा हूँ, आंखों के नीचे ब्लैक पूरा हो गया था। दिन में कोई बंदा 2 घंटे सिर्फ लगातार 2 से 3 साल तक सोएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझो और बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब आगे निकलते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करो, बहुत आगे जाओगे। मैं कभी अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करता, मैं उन्हें खुद सॉल्व करता हूँ और आगे निकलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगा तो दूसरों के सुनने से मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली, उसे मुझे ये स्टैंड लेके सॉल्व करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो डायफ्राम की बात करते हैं, क्या होता है ये? एक मस्कुलर सेप्टम है, सेप्टम होता है जो किसी को डिवाइड करता है। तो हमारे पेट को और हमारे ऊपर के रेस्पिरेटरी पार्ट को ये डिवाइड करने का काम करता है, सेप्टम है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मतलब पेट वाली जगह को, और ऊपर के थोरेसिक कैविटी को ये क्या करता है, डिवाइड करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना अच्छे से। बेसिकली जब हम सांस लेते हैं तो ये फूक जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये इसका काम है। और ये हमारे बीच में प्यारा सा दिल, जिसे आप हमेशा कंट्रोल करके रखोगे तो बहुत आगे जाओगे, है ना। वरना दिल बेकरार है, जिंदगी की वाट लगा देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दिल को मजबूती से पकड़ के रखोगे बहुत आगे जाओगे, ठीक है। चलो यहां देखो, नाउ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की नाउ चलो अभी हम लोग बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म कैसा है एग्जैक्टली, हम लोग बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में 2 से 3 टाइप है, ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि आखिरकार ये चीजें क्या हैं, ठीक है। आप यहाँ देख ले सकते हो अच्छे से, देख लो, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर 3 है, ब्रीदिंग, देन एक्सटर्नल, इंटरनल रेस्पिरेशन। ये तीनों चीजें हैं जिसे आप लोग अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे निकलते हैं, यहाँ देखते हैं अच्छे से एग्जैक्टली ब्रीदिंग, पहले ब्रीथिंग के बारे में जानेंगे, देन एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल वाला तो बहुत आसान है, इंटरनल वाले में थोड़ा सा तुमको समझने में इश्यू हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो ब्रीदिंग के अंदर पहले देखते हैं कि आखिरकार ये ब्रीदिंग क्या होती है, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है बाय विच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द लंग्स। अब ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, बट स्टिल मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि टॉपिक में है। तो बाहर और अंदर के सारे प्रोसेसेस के बीच में जो गैसेस बाहर से अंदर जाती है और फिर अंदर लंग्स के अंदर जाके पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि ब्लड हमारा ऑक्सीजन ले लेता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, इस तरीके से सारा सिस्टम होता है। तो ये 2 तरीके से होता है, पहला है इंस्पिरेशन और दूसरा है एक्सपिरेशन। अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं तो जो हमारा इंस्पिरेशन वाला पार्ट है, यहाँ पे एयर्स क्या होती है, लंग्स के अंदर जाती है। और यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, अब देखो जब हम सांस लेते हैं, इमेजिन करो ऐसा समझो तुम लोग, हाँ समझो, तो ये देखो ये क्या, ये पूरा पार्ट से फूक गया, गेटिंग माय पॉइंट नॉट, ये पूरा पार्ट से फूक गया। तो यहाँ पे क्या रहता है ना, एक स्टर्नम की हड्डी होती है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या चीजें होती है, आपको समझेगा। देखो
अभी मैंने सांस ली, अभी देखो मैं नॉर्मल हूँ, दिस इज नॉर्मल पोस्चर। ओके, मैं नीचे बैठा हुआ हूँ, मैं किसी चेयर में नहीं बैठा हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा दिख रहा हूँ तुम लोग को। ओके, मैं नीचे बैठा हूँ, तो अभी मैं सांस लेता हूँ, तो ये देखो पूरा फूक गया। तो ये वाला जो पार्ट है, अभी ये चेस्ट है और ये वाला जो बीच का पार्ट होता है ना, यहाँ पे स्टर्नम रहता है, स्टर्नम जो दोनों चेस्ट को जोड़ता है, स्टर्नम। तो ये बाहर आउटसाइड आता है, दिस इज द स्टर्नम। जब सांस लेते हो तो ये बाहर आता है, तो इंस्पिरेशन के टाइम पे बाहर आएगा, और जब सांस छोड़ोगे, जब सांसें छोड़ोगे तो ये ऐसे अंदर अंदर फिर से झुक जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टर्नम गोज आउटसाइड, यहाँ पे स्टर्नम गोज इनसाइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। डायफ्राम जो होता है थोड़ा सा फ्लैट और गोज डाउनवर्ड। अब जब तुम सांस लोगे तो जो नीचे का डायफ्राम रहता है वो क्या होगा, वो ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगा, और जब सांस छोड़ोगे तो फिर से वापस से सिकुड़ जाएगा वो। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छे से। ओके, क्लियरिटी आई होप आपको आ गई होगी। चलो अब आगे निकलते हैं इसी तरीके से। तो इसी तरीके से फिर अगर आप सांस लेते हो तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी थोड़ा सा बढ़ेगी, सांस छोड़ोगे तो फिर से सिकुड़ जाओगे। तो ये सारी चीजें बार बार होती रहती हैं। 10 दिन में प्रलिया में कुछ नहीं आता है, पोर्शन कंप्लीट कैसे करें 10 मिनट में प्लीज बताओ। 10 दिन में प्रलियम है और 10 दिन में पोर्शन कंप्लीट कभी नहीं हो पाएगा। जितना याद है उसको बार बार रिवाइज करो, और जितना प्रलियम में पढ़ सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। दैट्स इट, ये सही एडवाइस है। ठीक है, और पूरा नहीं पढ़ पाओगे, तुम भी जानते हो, दुनिया जानती है। चलो अब हम थोड़ा देखते हैं कि आखिरकार रेस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या होता है। तो इंस्पिरेशन मतलब सांस लेना। ठीक है, तो जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारा डायफ्राम नीचे जाता है। ठीक है, और रिब्स की जो कैविटी होती है थोड़ा सा बाहर की तरफ बढ़ जाती है ये। ओके, थोड़ा सा आपके लंग्स में क्या होता है, रशिंग एंड प्रेशर अप्लाई होता है, और डायफ्राम हमेशा नीचे जाता है। जब आप सांस छोड़ते हो तो रिब्स अंदर की तरफ देखो सिकुड़ जाता है और आपका डायफ्राम ऊपर जाता है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। ठीक है, चलिए, ये आप लोग स्ट्रक्चर को अच्छे से देख के समझ सकती हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलर लेवल। अब हम इस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। वेलकम सिद्धेश, आई एम फाइन। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो हम आगे निकलते हैं। यहां देखो अच्छे से, नाउ हम इस चीज को डिटेल में समझने वाले, जरा यहां ध्यान दो। ये हमारा एल्वियोलाय है। अब आप लोग को थोड़ा सा इसके पोस्चर के बारे में समझना पड़ेगा। अब आप बोलोगे आप यहाँ पे कैसे हम लोग चीजों को समझेंगे, नाउ लिसन केयरफुली प्लीज। ठीक है, एक मिनट ना, इसे मुझे हटाना पड़ी, क्या है भाई ये तो हट ही नहीं रहा है। ओके ओके, ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा, एक मिनट बच्चा बाड़ी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। देखो यहाँ पे, ओके देखो यहाँ पे, अब तुम लोग को थोड़ा चीजें समझ में आएंगी। नाउ लिसन केयरफुली प्लीज, मुझे थोड़ा ध्यान से सुनो। अब क्या रहता है ना, अब यहाँ थोड़ा प्लीज ध्यान देना अच्छे से। यहाँ देखो, यहां से ऐसे ऐसे पूरा सिस्टम रहता है। देखो ऐसे पूरा सिस्टम रहता है, फिर इसके अंदर इस तरीके से डिवीजन रहता है। ठीक है, ऐसे इधर भी रहेगा ऐसे। तो ये जो एल्विलाय है, यहां से ऑक्सीजन आई, यहां से ऐसे आई ऐसे। ये एल्विलाय जो है ये कुछ ऐसे दिखता है। तो यहीं पे ब्लड वेसल रहता है, ब्लड। तो क्या होता है, ये ब्लड भागते रहता है, इसके पास क्या रहता है, CO2। और ये यहां से क्या लेके आया, ऑक्सीजन लेके आता है। तो ये अपने ऑक्सीजन को देता है और यहां पे CO2 को ले लेता है। तो दिस इज द सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन, सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन। इसे आप लोग थोड़ा सा समझ लो अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना। ठीक है, और यही चीज अगर मेरी नोज होती, नोज, और ये है इन्वायरमेंट, तो नोज इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन गया और नोज से कार्बन डाइऑक्साइड छूटा, तो ये जो रेस्पिरेशन यहां पे हो रहा है, ये बॉडी लेवल रेस्पिरेशन है। अब आपको क्लियरिटी आ गई होगी मैं क्या बोलने वाला हूं। समझा अच्छे से मैंने क्या बोला, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। तो एल्वियोलाय के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो बाहर आता है, और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल के, और देखो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो बस यही चीज यहां पे तुम सीखने वाले हो। तो ये जो है हमारा, ये कंप्लीट एल्विलाय है। इसको हमने थोड़ा जूम किया तो कुछ इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है। अब देखो यहाँ पे कैसा है सिस्टम, कैसा रहता है। देखो ये हमारा बीच का होल है जहां पे हमारा ऑक्सीजन आ जाता है। देखो ये यहां पे हमारा, देखो ऑक्सीजन आ गया, और यहां पे देखो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है।
तुम लोग को एक चीज दिख रही है एल्विओलाई में, देखो यहाँ कितनी नस है, रेड कलर की, ब्लू कलर की, कितनी सारी, देखो यहाँ पे कितना सारा नसें बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा, देखो पूरा कितना नस है, यही है हमारा ये। तो ब्लड में यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होती है, यह हार्ट ने इस ब्लड को यहाँ पे एग्जैक्टली पंप किया होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। तो ये पल्मोनरी आर्टरी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए वो नीला दिख रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जहर का काम करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे अंदर इस ब्लड के साथ है, और आगे जैसे आता है तो ये एल्विओलाई ने अपने अंदर क्या लेके रखा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ स्क्वैमस टिश्यूज होते हैं, इन टिश्यूज के थ्रू ये ऑक्सीजन अंदर आता है और ब्लड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकलता है, ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझो अच्छे से, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ। ओके, अब तुमको दिखेगा। तो यहां से जो ऑक्सीजन है ये अंदर आता है और यहाँ पे, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके नहीं रखता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन अंदर जाएगा। जैसे ऑक्सीजन जाएगा, देखो ब्लड को रेड कलर में दिखाया है, तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जाता है। तो ऑलवेज ध्यान रखना, आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये सब एल्विओलाई में ये पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का देना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ये हमारा रेस्पिरेशन कहलाएगा, बट सेल के लेवल में हो रहा है, इसीलिए ये हमारा सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही आसान था, इस चीज को आप यहां से भी समझ सकते हो। देखो हमारा आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यहां पे देखो ये ब्लड आ रहा है, सॉरी ऑक्सीजन आ रहा है, और ये जो ब्लड है इसने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये यहां पे देखो इसने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, और यहां पे देखो इसने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, ठीक है, और देन यहां से फिर सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं। तो ये पूरा फंक्शनैलिटी है हमारे एल्विओलाई का, स्क्वैमस एपिथेलियल से ये बना होता है ना। आगे की अब अपन बात करते हैं, यहाँ की चीजें थोड़ा देखते हैं। तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, नॉर्मल वैल्यूज थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलो यहाँ देखते हैं टिडाल वॉल्यूम क्या होता है। जब तुम कभी भी नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो तो 500 ml तक गैस अंदर लेते हो, तो ये तुम्हारा एक टिडाल वॉल्यूम कहलाता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कहलाता है, द मैक्सिमम वॉल्यूम, ध्यान देना चाहिए, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग द फोर्स्ड ब्रीदिंग टीवी, इट्स वैल्यू इज 2000 to 3000 ml। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वो कहलाता है जब तुम नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा ऑक्सीजन लेते हो, करीबन 2000 से 3000 ml तक, फिर एक्सपिरेटरी में सेम 1000 से 1100 तक बाहर निकालते हो, डेड स्पेस क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्रॉम नोज टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बट नॉट इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज, इट इज 150 ml। मतलब कि डेड स्पेस क्या कहलाता है, कि मान लो जैसे कि तुमने सांस तो ली, तुम्हारे यहां पे हर जगह तो सांस अवेलेबल है, बट ना वो चेस्ट तक गई ही नहीं, और 150 ml ही सिर्फ वहां पे अवेलेबल है, तो ऐसे टाइम पे एक स्पेस होता है जहां पे गैस ही नहीं है, इसे डेड स्पेस कहते हैं। रेसिजुअल वॉल्यूम की बात करें तो ये 1100 से लेके 1200 ml तक होता है, मैक्सिमम एक्सपिरेशन वॉल्यूम है। बाकी लंग्स की कैपेसिटी आप लोग यहाँ पे देख लेना, लंग्स की कैसे कैपेसिटी करीबन 4100 से लेके 4600 ml तक की गैस को लेने की है। इसलिए ज्यादा रनिंग किया करो, जितना ज्यादा रनिंग करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बॉडी के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, फायदेमंद रहोगे, ठीक है, एग्जाम में ये पूछ सकता है भाई। आगे बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, चलो अब बात करते हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन हमने देखा ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अब बात करेंगे इंटरनल की। तो इंटरनल में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी बाहर से ऑक्सीजन को अंदर तक ब्लड में लेके जाना, और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, वहां से CO2 को बाहर निकालना, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा इन द सॉल्यूशन 7%, फिर यहाँ पे बायकार्बोनेट 70%, रेड ब्लड सेल 23%। इस तरीके से ये जो तीनों चीजें हैं, प्लाज्मा, बायकार्बोनेट, रेड ब्लड, ये सारे के सारे लोग इतने इतने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो पूरा एक्सचेंज है, ये पूरा RBC और प्लाज्मा के बीच में होता है। प्लाज्मा एक लिक्विड है जो कंबाइनली ब्लड को और हमारे अंदर के जो नॉर्मल वाटरी सिस्टम है उन सबको मिला के कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब किस तरीके से पहले हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इज ओनली 3%, और बाकी का जो होता है वो डिजॉल्व स्टेट में रहता है प्लाज्मा के अंदर।
और पूरा का पूरा रिमेनिंग 97% जो होता है ना वो पूरा हीमोग्लोबिन में जाता है। अब आपको यहाँ पे डिटेल में थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। जैसे कि देखो ये हमारा एल्विलाय था, ये हमारा ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे क्या रहता है, ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अब क्या रहता है कि जब तुमने यहां से ऑक्सीजन दिया तो ये ऑक्सीजन का जो 100% है तो उसमें से 3% तो डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में, बाकी का बचा हुआ 97% इस हीमोग्लोबिन में, ब्लड के हीमोग्लोबिन में चिपक जाता है। आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के लिए बहुत ही एफिनिटी होती है इसमें, मतलब लव करता है, हीमोग्लोबिन लव करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से। चलो इसकी थोड़ी डिटेल में बात करते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो ब्लड के अंदर यहाँ पे कुछ टाइप है, टोटल ब्लड जो हमारे शरीर में है वो क्या है, कितना है, तो हमारा ब्लड दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है हमारा, तीन लोगों को मिला करके कहा जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और एक पार्ट है प्लाज्मा। तो जो टोटल 100% ब्लड है हमारे शरीर में, जो टोटल 100% ब्लड है हमारे शरीर में उसका 55% अकेले प्लाज्मा है, और बाकी का बचा हुआ 45% अकेले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को मिला करके है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से, ये आप लोग के लिए ज्यादा जरूरी है समझना, ठीक है। आगे निकलते हैं, बाकी का जो प्लाज्मा का 55% है वो टोटल ब्लड का ये है। प्लाज्मा एग्जैक्टली क्या होता है, वाटर वाला पार्ट है, और जिसके पास सिर्फ 10% ही मटेरियल होता है, बाकी सारा वाटर होता है, तो इस चीज को आपको अच्छे से थोड़ा सा समझ के रखना है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से निकलता है, इसी चीज को समझेंगे, तो जरा ध्यान से देखना आप अच्छे से। तो ये है हमारा जो ये आरबीसी का एक टुकड़ा है, मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ये हमारा है, और ये देखो क्या चीज है, ये हमारा ये वाला जो पार्ट है ये उस तरफ वाला पार्ट है जहां से ऑक्सीजन आने वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर जाएगा। अरे बाबा अभी अभी आपको मैंने एक चीज दिखाई थी, जरा ध्यान से देखोगे तो समझेगा, देखो अच्छे से, देखो दिखाया था मैंने, बस आपको यही वाला पार्ट वहां जूम करके दिखाया हुआ है। देखो ना अंदर वाले पार्ट में जहां ब्लड है वहां ऑक्सीजन लेके आना है और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाना है, बस इसी पार्ट को यहाँ पे हमने डिटेल में दिखा दिया है। देखो यहाँ पे तो ये ऑक्सीजन यहां से आएगा अंदर और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड देखो जाएगा बाहर। तो आखिरकार यहाँ पे बहुत से रिएक्शंस होते हैं, अब इन रिएक्शन को इस वक्त समझा पाना इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा, तुम भी जानते हो। तो ठीक है, यहाँ पे बहुत से रिएक्शंस होते हैं, बहुत से मेम्ब्रेन्स वगैरह रिएक्शन करती हैं। क्या होता है कि जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आता है तो हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन के साथ, ये जो आरबीसी है, ऑक्सीजन अंदर आया, जैसे ही हमारे बॉडी का ऑक्सीजन अंदर आता है तो हीमोग्लोबिन उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा चीज है जो जिसके पास एफिनिटी होती है, यानी कि इतनी ताकत होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, इस चीज को आप लोग समझ के रखना। और जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है जो कि बहुत जरूरी है, और अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से। वही चीज देखो यहाँ पे बार बार बताया हुआ है, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला इधर है, ठीक है, जब आप हीमोग्लोबिन एचबी में ऑक्सीजन दोगे तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, इस बात को आपको समझ के रखना है, बाकी कुछ नहीं। यही चीज देखो बार बार वही वही यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं, बस इन चीजों पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप देखते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन अंदर आया, वो तो तुम लोग पढ़ लोगे समझ भी जाएगा, बट अब CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपको पता है हमारे शरीर में प्लाज्मा भी रहता है, सिर्फ ब्लड नहीं है, तो प्लाज्मा यहाँ पे प्लाज्मा के थ्रू करीबन 7%, मैंने आपको करके भी दिखाया था, करीबन 7%, मैंने देखो आपको पहले फ्लो चार्ट में भी लिख के दिया है, किधर गया, एक मिनट देखो यहाँ पे, थ्रू दी प्लाज्मा 7% ऑफ CO2 हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, पहले लिख के दिया इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, पहले ही बताया, तो 7% तक, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना, CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बोनिक एसिड में से निकलता है बाहर, बाकी चीजें वही यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से। देखो इस बार यहाँ पे उल्टा करके रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर यहाँ पे जाएगा, किस तरीके से यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है, बॉडी के बाहर नहीं, सेल के हीमोग्लोबिन के बाहर। कभी कभी ना यार एक ऐसी सिचुएशन आती है, मैं आपको उस चीज को थोड़ा सा करके यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे जरा देख लो अच्छे से, इस चीज को थोड़ा पहले बाद में पढ़ना। क्या होता है ना कि आपको पता है 257 टाइम्स ज्यादा ताकत होती है हीमोग्लोबिन के पास कि वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा,
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को 257 टाइम्स ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करता है, बट कभी कभी ऑक्सीजन के नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन जब बाहर निकल जाता है तो हीमोग्लोबिन ना कार्बन मोनोऑक्साइड को अट्रैक्ट कर लेता है, और जिस वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बजाय मोनोऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और यह हमारे लिए हीमोग्लोबिन पॉइजनिंग का काम करता है, मतलब इंसान के मरने की पावर आ जाती है, मतलब इंसान मर जाएगा और क्या। ठीक है, यहाँ पे बहुत से सिस्टम है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन, फॉस्फोरिलेशन, ये सब आपको सिखाया हुआ है, तो इन सब पे प्लीज थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। ओके चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाउ रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, आप लोग एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना, सब कुछ आपको समझेगा। तो चलो एक बार पूछ लो, किसी को कोई यहाँ पे इश्यू तो नहीं है ना? यस बोलो। हेलो ओके आशा, जस्ट वेट अ मिनट, मैं बताता हूँ हीमोग्लोबिन। अच्छा ग्राफ बताऊं? रुक जाओ, ग्राफ ऐसे आएगा नहीं, बट ठीक है बताता हूँ कैसा रहता है ना, डिलीटेड पार्ट नहीं बताना है, डिलीटेड पार्ट में जाना मुझे छोड़ते जा रहा हूँ, ठीक है, बट स्टिल रुको मैं बताता हूँ। हाँ हाँ टू पार्ट में लूंगा, सर्कुलेशन तो वैसे ही बाद में लूंगा, आज हो भी नहीं पाएगा, तुम भी जानते हो। डिलीटेड पार्ट नहीं लूंगा रे बाबा, तुम लोग को नहीं आएगा डिलीटेड पार्ट। क्या श्योर सानी का, थैंक यू सो मच ओ एम जी, वाओ थैंक्स अ लॉट फॉर केयरिंग, थैंक यू। चार मार्च से रिटर्न पेपर है, थैंक यू स्क्रीन प्ले, एकदम क्रिस्टल्स में रेडी फैक्ट, यू कैन डू इट सर, या मुझे बोल रहा है यू कैन डू इट। हाउ मेनी मार्क्स यू हैड गॉट इन एचएससी? आई गॉट 90+3 इन पीसीएमबी। ओके इन पीसीएमबी टोटल आई गॉट 93। यस समझ में आया? थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबडी। माइक क्या, माइक माइक का क्या इशू हुआ? माइक का कुछ इशू नहीं भी रहेगा ना तो भी तुम लोग वही बोलोगे मेरे को। बोलो नेक्स्ट। चलो बीसीए कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आपने मुझे पेपर का टाइम पर ओमिक्रॉन हो गया तो मेरे पेपर ओपन हो गए ऑनलाइन। अरे भाई मतलब तुम मना रहे हो क्या तुमको ओमिक्रॉन हो जाए? अगर ओमिक्रॉन हो गया और तुम मर गए तो तब क्या करोगी? सॉरी थैंक यू सो मच संदेश, वेलकम, थैंक यू आदित्य, थैंक यू श्रुति, श्रुति बोल रही सर एक सॉन्ग प्लीज। अरे बाबा नहीं नहीं मी एनिमेशन कर रहा हूँ ट्वेल्थ के बाद, बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले, यू शुड। आज तक मैंने कभी एनिमेशन नहीं सीखी बट आई कैन डू, लव योर टीचिंग। या आदित्य बहुत बढ़िया सर, टेंथ का नहीं लेने वाले क्या? अरे लूंगा बाबा क्यों नहीं, मैंने बताया अभी। यस गायत्री, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स बिगिन। देखो तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग की चलो अब बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन ये अंडर ड्यूअल कंट्रोल में होता है, जो कि एक नर्वस और एक केमिकल, ठीक है। देखो नर्वस सिस्टम में हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और केमिकल कंट्रोल में जो हमारे हॉर्मोन्स, ये इन दोनों कंट्रोल्स में रहता है। करीबन जो ह्यूमन एडल्ट के अंदर 12 टाइम्स पर मिनट एक एडल्ट ब्रीथ करता है, एक मिनट में 12 बार, वाइल न्यू बॉर्न में भी 44 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है, ध्यान देना क्योंकि उसको ज्यादा जल्दी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की ना, इसलिए। नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है इनवॉलंटरी प्रोसेस है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते इसे, ठीक है, इस बात को ध्यान देना, मतलब यू हैव नो कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग। स्टेडी रेट जो होता है वो कंट्रोल्स बाय न्यूरॉन्स, हमारे शरीर के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से लोकेशन लाइक पोन्स एंड मेडुला, वहां से ये लोग लेकर के रेस्पिरेटरी सेंटर्स तक लेके आते हैं। अगर मान लो वो न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देंगे तो तुम कभी सांस लेना भूल जाओगे, फिर मर जाओगे तुम लोग। ये रेट और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग को डिफाइन करता है।
चलो आगे की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या चीज होती है। अभी मैंने बोला ना रेस्पिरेटरी सेंटर तक सारा चीजें आती हैं, तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन द मेडुला, दूसरा है वेंट्रोलेटरल ग्रुप और तीसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो पूरे के पूरे सिस्टम में ना ये तीन सेंटर होते हैं। डॉर्सल मतलब होता है पीछे का सेंटर, बैक साइड वाला, बैक साइड का। वेंट्रोलेटरल मतलब सामने और बाजू का, यानी यहां का बात कर रहा है, यहां का। और न्यूमोटैक्सिक मतलब एग्जैक्टली पोन्स वाले पार्ट में, यहाँ पे पीछे यहाँ की बात करो तो रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। चलो यहाँ ध्यान देना, अब आपको देखो तीनों चीजें यहाँ पे दिख गई। अब अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि पल्मिनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां तक पहुंचाने का काम किसने किया होगा? तो उसको काम पहुंचाने का हमारे हार्ट ने किया है। तो अब चलो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अब आपको डिटेल में समझ में आएंगी, ठीक है? नाउ लिसन केयरफुली प्लीज। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन व्हेन द लंग्स एक्सपांड टू क्रिटिकल पॉइंट, द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड एंड इंपल्सेस आर सेंट अलोंग द वैगस नर्व्स टू द एक्सपायरेटरी सेंटर। इफ इट देन सेंड्स आउट इनहिबिटरी इंपल्सेस टू द रेस्पिरेटरी सेंटर। कहने का मतलब सिंपल है, देखो क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली ना जब तुम रेस्पिरेशन या इंस्पिरेशन यानी सांस लेते हो तो क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं वो एक्सपांड होते हैं और स्ट्रेच होते हैं। ये स्ट्रेच कैसे होते हैं? मतलब कोई भी बॉडी का ऑर्गन अपने आप हिलता है क्या? ऐसे नहीं हो सकता। जब तुम सांस लेते हो तुरंत हमारे न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं और उन रिसेप्टर्स के वजह से पूरा का पूरा हमारा लंग्स ऐसे थोड़ा सा फैल जाता है, फूक जाता है, ठीक है? और जब तुम छोड़ते हो तो वापस से इम्पल्सेस वापस जाते हैं और हमारे अंदर के पूरे सिस्टम को फिर से कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। तो ये सारा सिस्टम होता है। और जो हार्ट का काम है, ये हार्ट पूरे के पूरे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स तक लेके आता है और फिर वहां पर एल्विलाई के पास ऑक्सीजन रहता है, फिर सारा सिस्टम होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो इंस्पिरेटरी मसल है, यानी कि जो इंस्पिरेशन करवाती है वो मसल्स, वो रिलैक्स होती है और एक्सपिरेशन को फॉलो करेगी। फिर बाद में वो स्ट्रेच होगा पूरा का पूरा, हमारा जो एग्जैक्टली लंग्स होते हैं वो पूरे स्ट्रेच होते हैं और बाद में जाके इंस्पिरेटरी सिस्टम से सारा का सारा सिस्टम बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, और हमारा वापस से पूरा का पूरा जो लंग्स है वो स्ट्रेच होता है। ऐसे इस तरह स्ट्रेच मतलब इनसाइड स्ट्रेच होता है, ठीक है? और इसी इवेंट को कंबाइनली हम लोग कहते हैं हेरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स, ध्यान देना। और ऐसा बार बार होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फॉर द रेस्पिरेशन और डेप्थ एंड रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन। इन सबको आपको ध्यान देना अच्छे से, ठीक है? चलिए, रिदमिक इंस्पिरेशन होता है यहाँ पे। नाउ अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, बहुत बढ़िया, यस। एक्सपेरिमेंट्स यहाँ देखो, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी दुनिया में हैं ये सब या तो यूनि या तो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इन सारे, चाहे वो लिविंग यूनि या मल्टी सेलुलर है, सब में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत सारे न्यूट्रिशंस को सराउंडिंग से लेते हैं और सर्कुलेशन भी करते हैं बॉडी के अंदर बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। बहुत से ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो सराउंडिंग से वो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हारे बॉडी के अंदर तुमने जो ऑक्सीजन लिया, तो क्या तुम्हें पता है कि वो ऑक्सीजन प्योर है या फिर अनप्योर है? तुमने वो ऑक्सीजन को ले लिया और बाकी का जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है वो तुम्हारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को खत्म कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी पॉल्यूशन वाले एरिया में मत रहो। दिल्ली के लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से ज्यादा लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा ज्यादा पॉल्यूशन है, लोग मरते जल्दी हैं इसलिए। तो हमारे बॉडी में यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल। देखो कैसे, जब तुम ऑक्सीजन लेते हो तुम्हारे शरीर के अंदर ये फीता अंदर जाके मिक्स हो जाता है, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। और ये चीज कहलाती है साइक्लोसिस, यानी कि मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब हमारा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मूव करता है तो वहां पे उस प्रोसेस को साइक्लोसिस कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का है, एक है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, एक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि इंट्रा बोले तो सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो और एक्स्ट्रा बोले तो ट्रांसपोर्टेशन सेल के बाहर हो रहा हो। इस बात को बस आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है। आगे की बात करते हैं, अब बात करेंगे सर्कुलेशन की। तो अब यहां से हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे सर्कुलेशन इन एनिमल, ये चीज को अब हम अभी नहीं पढ़ेंगे, कल एक अलग से लेक्चर लूंगा इसका, तो तब पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्यों जानते हो ऐसा? क्योंकि सर्कुलेशन एक खुद में बहुत बड़ा पार्ट है और मैं चाहता हूँ कि सर्कुलेशन को, हार्ट वगैरह सब कुछ बाद में अच्छे से पढ़ाऊं,
ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं उस चीज को अच्छे से एक अलग से टॉपिक में लूं। क्या बोलते हो तुम लोग, तुम्हारा क्या कहना है बताओ? आज आज लूंगा तो बस अभी बस स्टार्ट बस कर पाऊंगा और हो नहीं पाएगा, मुझे मालूम है। इतना अभी तक हमारा सिर्फ रेस्पिरेशन खत्म हुआ है, वो भी 1.5 घंटे लग गए। बहुत बड़ा चैप्टर यार, इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज नहीं है, इस चैप्टर में दो दो चीजें हैं। इस चैप्टर के अंदर रेस्पिरेशन और जो सर्कुलेशन का पार्ट है वो दोनों चीजें इसमें दिया हुआ है, तो इस वजह से कह रहा हूं मैं। ठीक है, यस बोलो। तो क्या कर रहा हूं मैं बोलो, 70 मार्क्स के क्वेश्चन हाँ कर लोगे तो हो जाएंगे। कर लूंगा मैं लेक्चर, भले मेरा टाइम, मैंने तुम लोग को टाइम टेबल दिया, तुम लोग को मालूम है मैंने तुम सबको टाइम टेबल प्रोवाइड कर रखा है। क्या तुम सबको पता है? टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां से टाइम टेबल ले लो, पूरा 3-6 दिसंबर से टाइम टेबल दे के रखा है। ठीक है, अरे ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 7-8-10 चैप्टर, 10 पार्ट्स का वीडियो होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर। अरे भाई सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन एक बार में दो बार, मतलब एक ही चैप्टर के अंदर दो चैप्टर को सिखा दिया है, अब क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है सर, डिलीटेड ग्राफ, ग्राफ डिलीटेड नहीं है। अच्छा ग्राफ डिलीटेड नहीं है क्या? एक मिनट में जरा देखो, तो ग्राफ में क्या ही होगा जानते हो? किधर है ग्राफ, मैंने रखा है क्या? ओके, ये इसकी बात कर रही हूँ। यहाँ देखो, ये बोर इफेक्ट है। आप यहाँ पे दो इफेक्ट काम करते हैं, एक होता है बोर इफेक्ट, एक हाल्डेन इफेक्ट। ये दोनों, ये 1 मार्क्स के 2 मार्क्स को आ सकता है और ये 2 मार्क्स को आ सकता है। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ पहले। बस याद करना इस चीज को। देखो तो क्या होता है ना कि जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन रहता है ना, मतलब एक ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके पास ऑक्सीजन रहता है, वो डिसोसिएट होके और पार्शियल प्रेशर विद द हेल्प ऑफ CO2 ब्लड में ये शिफ्ट होता है। ठीक है, तो सारे के सारे ऑक्सीजन मॉलिक, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर तभी जाते हैं और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास चला जाता है। ये चीजें यहाँ पे बोर इफेक्ट में होती हैं। तो एग्जैक्टली क्या चीज दिया हुआ है, जब जब तुम्हारे बॉडी के अंदर ना हाई लेवल ऑफ CO2 रहता है, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो pH की वैल्यू होती है, जो एसिडिटी और बेसिसिटी बताता है, वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, और जब जब तुम्हारे बॉडी के अंदर ना CO2 का मॉलिक्यूल बहुत कम रहता है, तो तुम्हारे अंदर pH की वैल्यू ना हमेशा बढ़ जाती है। ये चीज बस ध्यान रखना अच्छे से, मतलब ब्लड का भी pH होता है, आपको ये बात पता होगा। और जब जब तुम्हारे बॉडी में नॉर्मल CO2 रहेगा ना, CO2 का लेवल, तो नॉर्मल pH की वैल्यू होती है, और ये pH का वैल्यू ही बताता है कि कब तुम्हें CO2 मॉलिक्यूल को बाहर भगाना है और कितना भगाना है। आपको पता है अगर आपने अपने बॉडी से सारे CO2 के मॉलिक्यूल को बाहर भगा दोगे ना, तो भी आपके मरने के चांसेस हैं। कैसे? आपने देखा होगा आपको हिचकी आती है ना, तो वो ना आपके बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी रहती है ना, तभी आती है। तो जो हिचकियां आती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से आती है, तो ये सब कुछ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हाल्डेन इफेक्ट क्या कहता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन करता है एज एन एसिड, और इसीलिए हमें यहाँ पे pH की वैल्यू को देखना पड़ता है। तो अगर CO2 का वैल्यू ज्यादा है तो आपका pH का वैल्यू कम है, pH का वैल्यू कम मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो एसिडिटी दिखा रहा है। भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन खुद एसिड है, pH की वैल्यू कम हो रही है मतलब कि 7 से इधर आ रही है, मतलब 6-5-4-3-2-1 ऐसा, और ये सारे नंबर एसिड दिखाया करते हैं। नवी में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था तुम लोग ने। ये क्या करता है, ये pH को एग्जैक्टली डिक्रीज करेगा। pH की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है मतलब वो एसिड है, और अगर एसिड है तो इसका मतलब ये हो गया कि एग्जैक्टली ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, यानी कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट है, और ये अच्छी बात होती है। ठीक है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एच प्लस आयंस, HCO3 माइनस आयन जो होता है वो चेंज होता है इनटू द H2 एंड CO2। तो जो HCO3 माइनस आयन है, ये एक अनायन होता है एग्जैक्टली, और ये कार्बोनेट इसे आप कह सकते हो। तो ये क्या होगा, अपने आप को डिसॉल्व कर लेगा और ये बनाएगा वाटर या CO2। तो पानी तो ठीक है बट CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और H प्लस आयन एग्जैक्टली जो भी है वो तो है ही है, तभी तो एसिडिटी बन रही है। तो ये चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो बस इस चीज को समझो कि अगर हाई CO2 तो लो pH, लो pH मतलब ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ज्यादा अच्छी बात है ये, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में रहना चाहिए। लो CO2 मतलब कि हाई pH, इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। ये ग्राफ बना देना, मस्त समझ जाएगा अच्छे से, नो इशू। ठीक है, ठीक है, चलो। तो अब थैंक यू सो मच, और
मिलेंगे जब तुम लोग कहोगे कल के लेक्चर में। ठीक है, चलो। सो यस, हाँ ना, ओल्ड वीडियोस। ठीक है, चलो सर, आपके स्टूडियो का लोकेशन बताओ। क्यों भाई, आने वाले का तुम लोग? चलो ठीक है, हम निकलते हैं। ओके, सो एवरीवन, बाय टू एवरीवन। अब कहने का नंबर आ गया है, बाय बाय। कोई डाउट रहेगा तो यू ऑल कैन आस्क मी एनी टाइम। अब अपन मिलेंगे कल, ओके, और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे सारी की सारी चीजों को, ओके, और ढंग से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। कल अपन सर्कुलेशन करेंगे, कल ही ले लूंगा मैं सर्कुलेशन, डोंट वरी। मैं सर्कुलेशन वाला पार्ट ना कल ही ले लूंगा, सो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आज हमने अगर रेस्पिरेशन खत्म किया है तो कल सर्कुलेशन ही लेंगे, ओके। इसी से थोड़ा ध्यान रखो अच्छे से। तो अपन कल अभी मिलेंगे, आज हमने रेस्पिरेशन खत्म कर दिया, कल अपन सर्कुलेशन पढ़ने वाले हैं, तो हार्ट वगैरह के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोग कल अच्छे से इस चीज को पढ़ के आना, ठीक है? तो चलिए फिर चलते हैं। सो बाय टू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और आगे बहुत कुछ आप लोग के लिए लाने वाला हूँ। और अब ना बायोलॉजी के सेशन आई थिंक मैं रेगुलर भी रख दूंगा कुछ दिन में, और मैथ्स का भी, तो मिलते हैं। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, बाय।